हेलो बच्चों कैसे हैं आप मैं प्रवीण लड्डा टीम सीएलसी फिजिक्स आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिजिक्स पंच जो कि आपका रिवाइज नीट फिजिक्स इन फोर्टी आर्ट्स ट्वेल्व पार्ट है ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टेटिक देखिए हमें पता है इलेक्ट्रोस्टेटिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ठीक है इसमें जो कॉन्सेप्ट हम कवर करते हैं वो नेक्स्ट तीन चैप्टर कैपेसिटेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कवर किए जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है देखिए ए टेन माइक्रोकुल चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन फाइंड इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज ट्वेंटी माइक्रोकुल विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी टू कोमा टू कोमा वन एक दस कुलाम का आवेश मूल बिंदु पर स्थित है बिंदु पी 2.2.1 एक पर स्थित बीस कुलाम आवेश पर स्थित वैद्युत बल की गणना करो तो देखिए आपको क्वेश्चन में दस कुलाम का आवेश जो कि मूल बिंदु पर रखा हुआ है और बिंदु पी जिस पे 20 माइक्रो कुलाम आवेश उपस्थित है और इन दिनों इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात करना है क्योंकि आप देख रहे हैं जो भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उसमें सिर्फ क्या है परिमाण है दिशा नहीं है तो हमें परिमाण ज्ञात करने के लिए रिलेशन पता है हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वैद्युत बल यानी कि कुलाम बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रिलेशन होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यह रिलेशन होता है जहां के आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक कॉन्स्टेंट है क्यू वन क्यू टू ये दोनों आवेश हो जाएंगे माइक्रो माइक्रोकुलाम और माइक्रो माइक्रोकुल और इनके मध्य की दूरी कोमा टू कोमा वन है तो आप बात करें ये आपके एक्स ये वाई और ये है अक्ष। ये मूल बिंदु है अब मूल बिंदु पे क्या रखा हुआ है दस माइक्रोकुल तो यहां पर 10 दस माइक्रोकुल चार्ज यहां पे रखा हुआ है और बीस माइक्रोकुल कहां पे रखा हुआ है टू कोमा टू कोमा वन यानी कि एक्स अक्ष के अनुदेश इसकी दूरी दो वाई एक्स के अनुदिष्ट दो और जेड एक्स की अनुदिष्ट कितनी है एक है तो एक्स एक्सिस के अलोंग टू वाई एक्सिस के अलोंग टू और जेड एक्सिस के अलोंग वन मीटर में दिए हैं क्योंकि यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो आपके एसआई SI पद्धति में है तो दूरी भी हम किस में ले रहे हैं यहां पर एसआई SI पद्धति में एसआई SI सिस्टम में ले रहे हैं ठीक तो ये आपके इस पी बिंदु के निर्देशांक हो गए टू कोमा टू कोमा वन और यहां पर क्या आवेश रखा हुआ है बीस माइक्रोकुल तो ये जो दूरी है आपकी ये है आपकी आर हम आर जो हमारा आर स्थिति सदिश है ये स्थिति सदिश है आपका आर इसको हम ऐसे लिखेंगे टू आई के प्लस टू जे के प्लस के के तो ये हमारा जो आर है ये पोजीशन वेक्टर और इसको लिखा जाएगा टू आई प्लस टू जे प्लस के के अब आपको क्या निकालना है इसका आर यानी कि ये इसकी लेंथ निकालनी यानी कि मैग्नीट्यूड परिमाण निकालना है तो परिमाण कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है आपका अंडर रूट टू का स्क्वायर फोर अंडर रूट टू का स्क्वायर फोर और यहाँ वन का स्क्वायर वन तो ये जो आर की वैल्यू आ रही है फोर प्लस फोर प्लस वन यानी कि अंडर रूट नाइन अंडर नाइन मीन्स थ्री तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास थ्री इन मीटर ठीक है अब ये वैल्यूज आप इस रिलेशन में पुट कर दें तो एफ इक्वल टू के की वैल्यू नाइन मल्टीप्लाई बाई टेंस टू पावर नाइन ये के वैल्यू होगी क्यू ये आपके पास टेन माइक्रो तो टेन माइक्रो मींस टेंस टू पावर माइनस सिक्स ये वैल्यू होगी क्यू टू ट्वेंटी माइक्रो मीनस ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय टेंस टू पावर माइनस सिक्स अपॉन थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन हो गया आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए नाइन से नाइन कैंसिल हो गया क्लियर अब देखिए यहां पर ये टेंस टू पावर माइनस सिक्स टेंस टू पावर माइनस सिक्स ये टेंस टू पावर माइनस ट्वेल्व हो गया ये कैंसिल हो रहा है ये नाइन टेन इलेवन तो यहां क्या बचा आपका टेंस टू पावर माइनस वन माइनस ट्वेल्व और टेंस टू पावर प्लस इलेवन तो ये टू पावर माइनस वन तो यानी कि ये आपके हो गया टू बाई टेन मीन्स जीरो पॉइंट टू न्यूटन तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन वन जीरो पॉइंट टू न्यूटन आई बात समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन Next question. Question is: Charge Q is placed uniformly from X equals to 0 to X equals to A. Find electrostatic force on a charge Q which is placed at एक्स इक्वल टू टू ए आवेश क्यू को एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स बराबर ए तक एक समान रूप से रखा गया है। पर स्थित आवेश क्यू पर स्थित वैद्युत बल की गणना करो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चार्ज क्यू को आपने एक दूरी पर कहां से कहां तक जीरो से लेके ए दूरी तक एक समान रूप से लंबाई के अनुदेश वितरित किया हुआ है मींस चार्ज को एक लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और ये जो लेंथ है ये है जीरो टू ए है अब आपको एक्स की वैल्यू टू ए पे इस चार्ज के कारण आपको फोर्स फाइंड आउट करना और एक्स इक्वल टू टू रखा हुआ है क्यू रखा हुआ है ठीक है तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं सोल्यूशन देखिए ये जो चार्ज है आपका ये लीनियरली एक्स की वैल्यू जीरो से एक्स की वैल्यू ए तक यहां से यहां तक ये कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि ईच यूनिट लेंथ पे सेम चार्ज है। अब एक्स की वैल्यू टू है तो ये यहां पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है ये क्यू चार्ज रखा हुआ है एक्स इक्वल्स टू टू ए पे चार्ज रखा हुआ है ठीक है अब आपको इस कैपिटल क्यू और इस स्मॉल क्यू चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है देखिए हमें पता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ठीक है यह सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए मान्य होता है यहां पर यह बिंदु आवेश नहीं है यह बिंदु आवेश है है ठीक तो बिंदु आवेशों के लिए मान्य होता है तो यह क्या है रेखीय वस्तु होगी यानी कि आवेश रेखी रूप से वितरित है तो आप सीधा सीधा इन दोनों के मध्य कुलाम का नियम नहीं लगा सकते कुलम स्लो अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको इस आवेश में आवेश का एक छोटा सा अल्पांश लेना पड़ेगा आवेश का एक छोटा सा अल्पांश लेंगे आप उस अल्पांश और इस क्यू के बीच में फोर्स फाइंड आउट करेंगे वो फोर्स फाइंड आउट करके फिर एक अल्पांश के इस क्यू के साथ फोर्स निकाल लिया फिर क्या करेंगे उसका समाकलन करेंगे और फिर आपको इस आवेश और इस आवेश के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स फाइंड आउट हो जाएगा तो कैसे करेंगे देखिए हम यहां पर इस स्मॉल क्यू आवेश से स्मॉल क्यू आवेश से आर दूरी पे हमने ये आर दूरी ली ठीक है एक छोटा सा आवेश का एक अल्पांश लेते हैं इस अल्पांश की लंबाई जो है वो डी हम ले लेते हैं डी ले, ले लेते हैं अब इस छोटे से अल्पांश पे जो आवेश होगा वो होगा डी ठीक है तो आप इस अल्पांश डी और इस क्यू के मध्य लगने वाले इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं तो वो है आपका डी तो चलिए डी एफ को हम निकालते हैं तो यह है डी एफ टू स्मॉल के जो कि आपका कुलॉम कांस्टेंट है ये चार्ज स्मॉल और इस L5 और इस आवेश के मध्य की दूरी कितनी है आर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अब इस डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए डी क्यू की वैल्यू इस अल्पांश पे जो चार्ज है आवेश है, उसका मान कितना होगा तो डी क्यू इक्वल टू हम इकाई लंबाई का आवेश निकालेंगे तो इकाई लंबाई का आवेश होता है कुल आवेश बटे कुल लंबाई तो इसकी लंबाई है तो यह कुल लंबाई होगी ए तो Q अपॉन ए हो गया ठीक अब आप ये तो हो गया इकाई लंबाई का आवेश आपको इस अल्पांश पे चार्ज ज्ञात करना है मालूम करना है तो इस अल्पांश की लंबाई से इसको गुणा कर दें तो यह आपके हो गए डी आर यह वैल्यू आपकी dq की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये df इक्वल्स टू k अब dq की वैल्यू कितनी है q अपॉन a dr और ये q ऑलरेडी है तो ये q ऑलरेडी हो गया और ये r स्क्वायर ये r स्क्वायर अब ये इस अल्पांश और इस आवेश के मध्य लगने वाला बल निकल गया अब यहां पर अनंत अल्पांश है देखिए यहां पर इस स्थिति से लेके यहां से लेके यहां तक अनंत अल्पांश जो कि लगातार हैं इन सब छोटे छोटे डी क्यू आवेश यानी कि अनंत अल्पांश ये सारे के सारे अल्पांश इस पे क्या लगा रहे हैं बल लगा रहे हैं तो हमें पता है जब एक से अधिक आवेश किसी आवेश पे बल लगाते हैं तो सभी के कारण जो बल लगता है हम उसका क्या कर देते हैं सदिश योग कर देते हैं यानी कि अध्यारोपण कर देते हैं तो यहां पर क्या है ये सारे अल्पांश क्या है लगातार हैं जब भी कंटिन्यूस होता है तो उसके लिए क्या करते हैं सम करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो चलिए भाई इसका समाकलन कर डीएफ का जो समाकलन होता है यानी कि कुल बल मींस इस छड़ और इस आवेश के मध्य लगने वाला कुल बल तो डीएफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ जो कि इस आवेश कैपिटल क्यू और इस स्मॉल क्यू के बीच में लगने वाला कुल बल आ गया नेट फोर्स आ गया अब इसमें को बाहर ले लेते हैं तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लें तो के कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, q, q गया। कैपिटल क्यू आप देख रहे हैं इसमें वेरिएबल चर क्या है तो वेरिएबल जो है वो है वो ये दूरी आर क्योंकि अलग अलग अल्पांशों के लिए इससे जो दूरी होगी वो अलग अलग होगी तो यहां वेरिएबल होगा आपका आर तो इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे तो ये आपका आर टू तो पावर माइनस टू इसको पढ़ ले जाता हूं आर टू तो पावर माइनस टू और ये DR हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या करते हैं ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, समाकलन है। निश्चित जब भी निश्चित समाकलन होता है उसमें क्या करते हैं हम जो चर होता है तो देखो इस अल्पांश और इस आवेश क्यू के मध्य की जो दूरी है वो है ए तो ये दूरी कितनी है ए है और इस लास्ट अल्पांश और इस क्यू के बीच की भी दूरी कितनी है टू है तो इसका समाकलन करेंगे ए से लेके 2a तक इसका समाकलन कर देंगे चलिए समाकलन करते हैं क्या आंसर आता है देखते हैं F इक्वस टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ये a आ गया अब R टू पावर माइनस टू का समाकलन इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है R टू पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन और लिमिट पुट करेंगे इसकी ऐसे लेके टू तक सिंप्लीफाई करते हैं ठीक है लिमिट पुट करते हैं इसको और फिर फाइनली आंसर निकाल लेते हैं तो एफ इक्व टू के माइनस वन अपॉन आर तो माइनस बाहर ले लो और वन अपॉन आर लिमिट है इसकी ए से टू ए लिमिट पुट कर देते हैं तो एफ इक्व टू माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए और वन अपॉन टू ए माइनस वन अपॉन ए तो एफ इक्व टू माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए वन अपॉन टू ए माइनस वन अपॉन ए तो यह माइनस वन अपॉन टू ए माइनस माइनस प्लस हो हो जाएगा जाएगा so, तो ये टू माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाएगा तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर तो टू ए स्क्वायर आई बात समझ में तो ऑप्शन देख रहे हैं आप कौन सा आंसर आ रहा है यहां पर ऑप्शन थ्री के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री आई बात समझ में तो ये इस तरह से ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या टू चार्जेस ईच ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू आर प्लस एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट फाइंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट सो देट होल सिस्टम इज इन इक्विब्रियम देखिए कैपिटल क्यू परिमाण के दो आवेश परस्पर आर दूरी पर स्थित है दोनों आवेशों के मध्य स्थित तीसरे आवेश का मान क्या होगा ताकि संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में रहे तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्यू परिमाण के दो आवेश यानी कि दो आवेश हैं जिनका परिमाण क्यू है इनको किसी एक निश्चित दूरी आर पर रखा हुआ है अब तीसरा आवेश ठीक है तीसरा आवेश इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल सेंट्रल में प्लेस किया हुआ है तो पूरा निकाय साम्य अवस्था में रहे, बोल रहे संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में रहे इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों आवेशों के मध्य तीसरे आवेशों का मान क्या होगा कि संपूर्ण निकाय आपका साम्य अवस्था में रहे तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं सॉल्यूशन देखिए इसका यह आपको कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू ये दो आवेश दिए हुए हैं अब इन दोनों को सेंटर पे रखा हुआ है ठीक है सेंटर पे रखा हुआ अब संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में रहे देखो ये जब मैं कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों समान परिमाण के हैं और दोनों अगर एक ही प्रकृति के लेता हूं देखो क्वेश्चन में वैसे आपको एक ही प्रकृति के लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें पता है जब आप तीसरे आवेश को इसके बीच में इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में रखते हैं और संपूर्ण निकाय साम्य व्यवस्था में रहे इसके लिए कंडीशन होती है कि ये कैपिटल Q और ये वाला Q दोनों समान प्रकृति के होने चाहिए यानी कि दोनों आवेश जिनको कोनों पे रखा हुआ है ये समान प्रकृति के होंगे तभी इसके बीच में कोई तीसरा आवेश रखेंगे वो तभी साम्य व्यवस्था में रह सकेगा ठीक है तो ये दोनों समान प्रकृति के होंगे तो मैंने मान लिया दोनों धनात्मक है कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू अब तीसरा आवेश जो है वो मान लिया हमने वो है स्मॉल क्यू है अब वो बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है तो बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है ये स्मॉल ठीक है तो ये बिल्कुल सेंटर पे रख दिया अब सेंटर पे रखेंगे तो हमें पता है इसके कारण जितना इस पे बल लगेगा उतना ही विपरीत दिशा में इस पे बल लगेगा तो ये जो तीसरा आवेश है स्मॉल क्यू ये साम्य अवस्था में रहे इसके लिए इसको आपने सेंटर पर रख दिया तो ये तो सेंटर पर रखने पे ये तो में आ जाएगा तो ये दूरी कितनी होगी आपकी ये दूरी होगी आपकी आर बाई टू ये दूरी हो गई आपकी आर बाई टू यानी कि इस आवेश से इसकी दूरी आर बाई टू और इस आवेश से इस आवेश की दूरी भी आर बाई टू होगी अब क्यू का मान निकालेंगे उससे पहले इस क्यू की प्रकृति की याद करेंगे तो भाई ये स्मॉल क्यू जो है किस प्रकृति का होगा ये चेक करेंगे तो देखिए ये दोनों जो कॉर्नर पे रखे हुए हैं आवेश ये दोनों एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो ये जो है एक नंबर देता हूं ये दो नंबर दे देता तो ये एक पर दो के कारण जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा ठीक है तो ये एक पर दो के कारण जो बल लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है ठीक है तो एक पर दो के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा उसी प्रकार से दो पर एक के कारण जो बल लगेगा वो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा अब यहां पर इस पे कुल बल शून्य होंगे तभी जाके साम्य व्यवस्था में रहेंगे यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि नेट फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जीरो तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाना चाहिए तो ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू जीरो इसको जीरो नाम दे दे क्योंकि जीरो दे दो नाम तो ये जीरो इधर की तरफ लगेगा तभी क्या होगा ये इस पे नेट फोर्स जीरो कर पाएगा इस पर तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होना जरूरी है तो ये जो बीच में रखेंगे चार्ज पार्टिकल वो नेगेटिव होगा तो आंसर आपका या तो नेगेटिव आपका आंसर या तो ऑप्शन थ्री होगा या ऑप्शन फोर होगा ठीक है तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो तीसरा आवेश है इसका परिमाण और इसका जो है प्रकृति किस तरह की होगी ये ज्ञात करना है। तो ये पता लग गया ये ऋणात्मक है ठीक है अब देखिए हम क्या करेंगे या तो इस पे कुल बल शून्य कर लो या इस पे कुल बल शून्य कर लो हम क्या करते हैं इस वाले पे कुल बल शून्य कर देते हैं तो इस वाले पे कुल बल शून्य हो एफ नेट वो क्या होगा इसका फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इस एक पर इस दो के कारण बल प्लस इस एक पर इस वाले एक पर इस जीरो के कारण बल इन दोनों का मान कुल बल शून्य होना चाहिए तो ये कुल बल हो गया इस पे तो इस पे कुल बल शून्य निकाल दिया तो ये एफ नेट जो है वो शून्य हो इसके लिए एक पर दो एक पर दो के कारण बल बराबर माइनस एक पर जीरो के कारण बल माइनस ये बता रहा है कि ये दोनों विपरीत दिशा में लगेंगे तो ये एफ और एफ दोनों विपरीत दिशा में लगी रहे हमने बताई दिया आपको अब इन दोनों का परिमाण समान हो तो ये संभव होगा जब दोनों का परिमाण समान होगा तो ये क्या होगा साम्य अवस्था में, में रहेगा तो एफ वन टू बराबर एफ वन जीरो निकाला जाए तो एफ वन टू इन दोनों के मध्य तो यह हो गया के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन ये दूरी कितनी है आर स्क्वायर तो ये तो हो गया इस और इसके बीच में लगने वाला बल अब इसके और इसके बीच में लगने वाला बल क्या होगा उसका परिमाण निकाला तो के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर बाई टू का होल स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर बाई फोर फोर ऊपर चला गया आर बाई टू का होल स्क्वायर क्योंकि ये आर बाई टू तो ये आर बाई टू का होल चला गया ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर के से के कैंसिल एक क्यू से एक क्यू कैंसिल तो क्यू नोट की वैल्यू क्या आ रही है क्यू बाई फोर आ रही है तो मैग्नीट्यूड आ रहा है क्यू बाई फोर और हम पहले ही बता चुके हैं ये नेगेटिव होगा तो यहां नेगेटिव लगा देंगे तो राइट right आंसर होगा ऑप्शन फोर माइनस क्यू बाई फोर समझ में तो इस तरह से ये अगर आपको आ, किसी निकाय किसी सिस्टम को पूरे को संपूर्ण को इक्विलिब्रियम में लाना हो तो ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्मॉल आइडेंटिकल conducting sphere having charge 3 Q and minus Q are applying force F on each other if both spheres are touched with each other and placed at same positions the new force between them will be do chote samrup gole par per 3 Q तथा माइनस क्यू है एक दूसरे पर एफ बल आरोपित कर रहे हैं। यदि इन गोलों को स्पर्श करवाकर समान स्थिति पर रख दिया जाए तो इनके मध्य नया बल क्या होगा यह हमें ज्ञात करना है तो देखिए क्वेश्चन में क्या है आपको दो एक जैसे आवेशित गोले दिए हुए समान आइडेंटिकल यानी कि दो गोले हैं जिनका आकार आकृति एक जैसी है एक ही पदार्थ के बने हुए हैं समान है ठीक है एक पर थ्री क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू आवेश है। अब इनको इनिशियली किसी दूरी पे रखा हुआ है इनके केंद्रों के मध्य की दूरी है आर तो जो बल लग रहा है वो प्रारंभ में एफ बल लग रहा है अब क्या किया आपने इन दोनों को आपस में संपर्क में ला संपर्क में लाके इनको वापस अलग करके उसी आर दूरी पे रख दिया जाए तो अब इनके मध्य कितना बल लगेगा ज्ञात करना है तो देखिए भाई किस तरह से सॉल्व करते हैं हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका देखिए सॉल्यूशन ये आपके दोनों गेंदे हैं एक जैसी गेंद इनके केंद्रों के मध्य की दूरी आपको दी हुई है आर थ्री क्यू और इस पे माइनस क्यू आवेश है ठीक है तो प्रारंभ में इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो आकर्षण की प्रकृति का लगेगा तो मैं इसको यहां पर जो बल है एफ इक्व टू के थ्री क्यू मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो जो प्रारंभ में बल लग रहा है माइनस के थ्री क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये बल लग रहा है प्रारंभ में ठीक है जब इनको आपस में संपर्क नहीं करवाया अब इन दोनों को आपस में संपर्क करा के उसी समान दूरी पर रख दें तो क्या होता है उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं देखिए हमें पता है जब भी एक समान वस्तुएं ठीक है यानी कि गेंदे एक समान है अगर इनको आपस में संपर्क कराते हैं तो संपर्क कराने पे क्या होता है इन पे आवेशों का पुनर्वितरण होता है और आवेशों का जो पुनः वितरण होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है यह तब तक होता है जब तक कि दोनों पर विभव समान नहीं हो जाता है। अब जब विभव समान होगा दोनों की त्रिज्या समान है तो यहां पर दोनों पर भी आवेश क्या होगा बराबर बराबर होगा अब बराबर बराबर आवेश हो इसके लिए क्या करेंगे ये कुल आवेश का आधा आधा कर लेंगे तो यहां पर कुल आवेश कितना है थ्री क्यू माइनस क्यू इसका आधा आधा दोनों बांट लेंगे दोनों डिवाइड कर लेंगे तो थ्री क्यू माइनस क्यू हो गया टू क्यू अपॉन टू तो क्यू आ गया यानी कि अब दोनों गोलों पर आवेश होगा वो धनात्मक होगा और बराबर होगा Q एंड Q तो ये अब आपके वापस दोनों गोल है इस पे भी आवेश Q इस पे भी आवेश Q और इन दोनों के केंद्रों के मध्य की जो दूरी है वो उतनी है यार तो अब कितना बल लगेगा तो अब बल लगेगा सपोज करो इनके मध्य एफ ले लेते हैं हमें ये F ड ही ज्ञात करना है तो एफ ड अब इन दोनों के मध्य लगने वाला बल तो k q1 q2 तो ये हो गया q स्क्वायर और उतनी दूरी r स्कवायर ये अगर समीकरण एक है ये समीकरण दो है तो आप समीकरण एक और दो को आपस में सोल्व करते हैं तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा तो देखिए यहां पर ये के क्यू की वैल्यू समीकरण दो से उठा के समीकरण एक में रख दो माइनस तो थ्री और के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना है आपका ये एफ डैश हो गया एफडे तो टू कितना हो गया माइनस एफ बाई थ्री माइनस एफ बाई थ्री तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री माइनस एफ बाई थ्री तो ये आपके कॉन्सेप्ट हुआ कि जब एक समान गेंदे आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उस पर आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है उस कॉन्सेप्ट को हमने समझा और उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं कूलम फोर्स में वो हमने यहां कवर किया नेक्स्ट क्वेश्चन next question hai. two point charges placed at a distance r in air exert a force f on each other the value of distance r at which they experience force f they experience force for f when placed in a medium of dielectric constant कैपिटल के इक्वल्स टू सिक्स वायु में परस्पर आर दूरी पर स्थित दो आवेश एक दूसरे पर एफ बल आरोपित करते हैं दूरी आर का मान क्या होगा यदि इनके मध्य बल फोर एफ लगता है यदि इन्हें परावैद्युतांक कैपिटल के, के बराबर सोलह के माध्यम में रखा जाता है देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो आवेश हैं Q1 Q2 दो आवेश हैं आपने इनको वायु में किसी निश्चित दूरी आर दूरी r पे रखा हुआ है। अब ये जब निश्चित दूरी r दूरी पे रखा हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं जब ये बल लगाएंगे वो बल है एफ है अब क्या बोला अब इनकी दूरी का मान आपने परिवर्तित कर दिया अब दूरी कर दी कैपिटल आर तो अब दूरी कर दी आपने कैपिटल आर कर दी ठीक है और अब इनको एक ऐसे पराविद्युतांक माध्यम में रख दिया जिसका मान है ऐसे माध्यम में रख दिया जिसका पराविद्युतांक का मान 16 है और अब इनके मध्य बल लग रहा है चार एफ तो ये दूरी आर का मान कितना है ये हमें ज्ञात करना है आई बात समझ में तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा हम इसके सॉल्यूशन को समझाते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैंने समझा दिया अब इस पर कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे देखिए जब वायु में आपने आवेश है आपके क्यूवन और Q2 आवेश है अभी ये किस में रखे हुए हैं एयर में वायु में और इनके मध्य की दूरी है स्मॉल आर तो इनके मध्य बल लग रहा है एफ तो ये एफ कितना होगा ये एफ होगा स्मॉल k. K. डियालेक्ट, के स्मॉल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है ये इलेक्ट्रोस्टेटिक कांस्टेंट है तो स्मॉल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ये समीकरण एक होगी अब आपने क्या किया इन दोनों आवेशों को वन और क्यू टू को अब आर दूरी पे रख दिया कैपिटल आर दूरी पे तो ये कैपिटल आर दूरी पे आ गया और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो कि कैपिटल के है वो सोलह हो गया तो अब इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो चार एफ हो जाता है जब तो पहले एफ है अब ये होगा फोर एफ इक्वल टू स्मॉल के स्मॉल के क्यू वन q2 टू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से आप डिवाइड कर देते हैं जब आप यहां पर माध्यम में रखते हैं तो तो ये कैपिटल के है भाई ये कैपिटल के है तो कैपिटल आपने यहां वैल्यू रख दी तो देखिए ये समीकरण दो गई आप समीकरण एक से मान उठा के समीकरण दो में रखें तो ये फोर एफ की वैल्यू स्मॉल के क्यू वन क्यू टू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर ये स्मॉल के Q1 Q2 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये कैपिटल के की वैल्यू आपको दी हुई है 16 ये वैल्यू यहाँ रख दें सिंप्लीफाई करें कैंसिल हो रहे हैं जो कर दो तो ये के क्यू वन क्यू टू के क्यू वन क्यू टू से कैंसिल हो गया ठीक है इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें तो आर की वैल्यू निकालनी है तो रीअरेंज करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर ये इधर आ जाएगा ये इधर चल जाएगा और ये इधर आ जाएगा, जाएगा, जाएगा तो ये सोलह मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय फोर सिक्सटी फोर तो बोथ साइड अंडर रूट लेंगे तो ये आपका हो गया आर बराबर स्मॉल आर बटे आठ तो ये आपका आंसर होगा कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर अपॉन आठ यानी कि स्मॉल आर बाई एट तो राइट आंसर है ऑप्शन थ्री स्मॉल आर बाई एट नेक्स्ट क्वेश्चन two infinite linear charges are placed parallel at 0.1 meter apart if each has a charge density 5 microcoulomb then 5 microcoulomb per meter then the force per unit length on one of linear charge in न्यूटन पर मीटर इस देखिए दो अनंत रेखी आवेश एक दूसरे के समानांतर 0.1 मीटर दूरी पे रखे गए हैं यदि प्रत्येक का रेखीय आवेश घनत्व पांच कुलाम पर मीटर है तो किसी एक की इकाई लंबाई पर बल न्यूटन पर मीटर में होगा तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है आपको अनंत लंबाई के दो तार दिए हुए हैं, जिसका रेखीय आवेश घनत्व पांच माइक्रोकुल पर मीटर आपको दिया हुआ है ठीक है इन दोनों को एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर रखा हुआ है तो इन दोनों के मध्य जो इकाई लंबाई पर जो बल लगेगा वो इकाई लंबाई पर बल मालूम करना है तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सॉल्यूशन आपने ये दो वायर लिए ये अनंत लंबाई के अब यहां पर ये जो है दोनों के मध्य की जो दूरी है वो आपको दी हुई है जीरो पॉइंट वन मीटर और यहां पर इस पे जो लेमडा ये है लेमडा इकाई लंबाई पर आवेश ये जिसको हम लेमडा से निरूपित करते हैं ये फाइव कुलाम पर मीटर दिया हुआ है अब देखिए दोनों पर जो आवेश है वो इकाई लंबाई पर समान है तो हम इसको कैसे करते हैं देखिए इस अनंत लंबाई के तार के कारण इस दूरी पे 0.1 मीटर पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कहां पर होगा ये धनात्मक आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा तो ये विद्युत क्षेत्र E इस तरफ होगा और E कितना होगा हमें पता अनंत लंबाई के तार के कारण होता है टू के अपॉन और ये जो दूरी है ये है आर यानी दोनों तारों के मध्य जो लंबो दूरी है वो है आर अब आप क्या करते हैं इस पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं एक ये छोटा सा अल्पांश लिया इस अल्पांश की लंबाई है DL अब ये भी समान प्रकृति का आवेश लेंगे तो इस पर जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा इस अल्पांश पे ये बल लगेगा आपका डी एफ बल लगेगा पूरे पे एफ तो इस पर लगेगा ये वाला तार इस पे जो प्रतिकर्षण बल लगाएगा अगर दोनों तारों पे समान प्रकृति का आवेश है तो जो इस पे लगेगा बल लगेगा वो डी एफ लगेगा तो डी एफ हम कैलकुलेट करें तो डी एफ टू होता है आपका चार्ज मल्टीप्लाई बाय विद्युत क्षेत्र यानी कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस पे जो चार्ज होगा वो ले लेते हैं हम डीक्यू चार्ज है इस अल्पांश पे चार्ज है डी क्यू वो हम डीक्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये डी क्यू मल्टीप्लाई बाय ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई ये डी एफ अब डी क्यू क्या होता है देखो आपको इसकी लंबाई पर आवेश की चार्ज पर चार्ज यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है। आप इस लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर दें। चार्ज एलिमेंट तो यह तो आपका डी क्यू की वैल्यू होगी वैल्यू कितनी है टू के अपॉन आर इसको रीअरेंज करें तो हमें तो इकाई लंबाई पर बल चाहिए तो इकाई लंबाई पर बल यानी कि डी एफ अपॉन डी एल ज्ञात करना है तो डी एफ अपॉन डी एल तो ये रिलेशन आ जाएगा आपका टू के लेमडा स्क्वायर टू के लेमडा और लेमडा लेमडा स्क्वायर अपॉन दूरी कितनी है आर है वैल्यू पुट कर लेते हैं टू के की वैल्यू नो इन दस की घात नो स्मॉल क्या है ये ठीक है और लेमडा की वैल्यू पांच तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू दस की घात माइनस बारह हो जाएगा ठीक तो है तो लेमडा है पांच माइक्रोकाम माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस छह स्क्वायर कर दिया हमने तो 25 इंटू दस की घात माइनस बारह हो जाएगा और आर की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है जीरो पॉइंट वन तो ये जीरो पॉइंट वन मीटर सिंप्लीफाई करेंगे ये दस ऊपर लिख देंगे क्लियर अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो ये नो और ये दस तो यहां बचा दस की घात माइनस दो दस की घात दस और दस की घात माइनस बारह ये दस की घात माइनस दो हो गया ठीक है यहाँ पर ये आपके पच्चीस और दो ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई टू फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय नाइन मल्टीप्लाई बाय टेंस टू पावर माइनस टू ठीक है तो ये कितना आ रहा है आपके फोर फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई टेन सुपावर माइनस टू तो ये आपका हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव न्यूटन पर मीटर सब ऐसा ही पद्धति में तो न्यूटन पर मीटर तो राइट right आंसर होगा ऑप्शन थ्री फोर पॉइंट फाइव न्यूटन पर मीटर आई बात समझ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए Next question is a charged water drop of radius 0.1 micrometer is under equilibrium in some electric field the charge on the drop is equivalent to electronic charge the intensity of electric field is g equals to 10 meter per second square 0.1 माइक्रोमीटर त्रिज्या की एक पानी की आवेश बूंद किसी विद्युत क्षेत्र में साम्य अवस्था में बूंद पर आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश के तुल्य है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक पानी की बूंद है जिसपे कोई आवेश है ठीक है अब इसकी त्रिज्या जो दी हुई है आपको 0.1 माइक्रोमीटर इसकी त्रिज्या दी हुई है अब इसको एक विद्युत क्षेत्र में आपने साम्य व्यवस्था में रखा हुआ है यानी कि यह पानी की बूंद एक विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है इस पर कुल बल शून्य है जब भी इक्विलिब्रियम की बात आती है साम्य व्यवस्था की बात आती है यानी कि कुल बल शून्य नेट फोर्स जीरो है अब बूंद पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश के तुल्य यानी कि बूंद पर चार्ज भी दे दिया कितना है इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कितनी होगी तो देखिए इसके सॉल्यूशन को देखिए ये आपकी कोई वाटर ड्रॉप है इसका द्रव्यमान है एम तो इसपे नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा एम जी नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा अब इस पे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ठीक है तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इस इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज है तो ये माइनस ई चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, अब ये बूंद पे कुल बल शून्य हो तो इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगे वो इस एमजी के विपरीत दिशा में लगे तो एमजी के विपरीत दिशा में जो लगेगा वो ई मल्टीप्लाई बाय जहां ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और आपके कैपिटल ई e, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ठीक है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तभी आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस ड्रॉप पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बिकॉज नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो ये इक्विलिब्रियम में तो आप यहां पर mg जी क्यू ई कर दें इक्विब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो जित जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा आइए बात समझ में चलिए अब आपको क्या निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ई इक्वस टू अपॉन क्यू बात समझ में आ गई यहां तक बच्चों तो ये ई इक्वस टू अपॉन क्यू हो गया अब बस हमें ई का मान निकालना निकाल लेते हैं अब देखिए यहां पर ये जो बूंद का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है बूंद का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है तो हमें द्रव्यमान को जो दिया हुआ है यानी कि त्रिज्या अब त्रिज्या से हम क्या निकाल सकते हैं आयतन निकाल सकते हैं तो इसको द्रव्यमान को आयतन और घनत्व के रूप में लिख सकते हैं तो डेंसिटी टू होता है एम अपॉन वी तो एम इक्वस्ट जो हो गया डेंसिटी इसकी रो इसका आयतन वी जी अपॉन क्यू हो गया वैल्यू पुट कर देते हैं रो तो देखिए सबको एक ही पद्धति में लेंगे तो हमें पता है जो द्रव का जो घनत्व होता है वो होता है दस की घात तीन किलोग्राम पर मीटर क्यूब ठीक है इसका हो गया फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अब आर कितना दिया हुआ है जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो गया दस की घात माइनस सात क्यूब ठीक है और g की वैल्यू हम दस ले लेते हैं दिया हुआ है, अपॉन क्यू क्यूँगा मान कितना है इलेक्ट्रॉनिक आवेश एक पॉइंट छ इंटू दस की घात माइनस उन्नीस ये दिया हुआ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई तो यहां पर अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा दस की घात तीन चार अपॉन थ्री पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई बाय टेंस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन इंटू टेन अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय टेन टू माइनस नाइनटीन जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं ठीक है तो हमें आंसर मिलता है इसका 262 न्यूटन पर कूलम तो राइट right आंसर होगा ऑप्शन थ्री 262 न्यूटन पर कूलम तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र में कोई बूंद रखी हुई है तो उस पर साम्यवस्था के प्रश्न को इस तरह से सोल्व किया जाता है नेक्स्ट ए पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस टू आर फ्रॉम द सेंटर इज एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू को आर त्रिज्या के धात्विक गोले के केंद्र पर रखा गया इस बिंदु आवेश के कारण केंद्र से 2R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है एक बिंदु आवेश है जिसको एक धात्विक गोले जिसकी त्रिज्या आर है उस पे उसके केंद्र पे रखा हुआ है तो ये है आपका धात्विक गोला और इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर और यहाँ पे रखा हुआ है आवेश आ, क्यू। इस बिंदु आवेश के कारण केंद्र से टू आर दूरी पे तो केंद्र से टू आर दूरी मींस यहाँ से ये दूरी होगी आपकी टू आर दूरी तो इस टू आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा तो ये पी बिंदु है यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा सबसे पहले ये धात्विक गोला है इसके केंद्र पर आवेश क्यों रखा हुआ है तो प्रेरण के कारण इंडक्शन के कारण यहां पे इस शेल की इनर और आउटर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा तो हमें पता है कंडक्टर के सामने जो चार्ज होता है उसके सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है तो q इसके सामने क्या होगा -q तो माइनस क्यू यहां पर आएगा अब यहां पर बाहर की तरफ क्या होगा प्लस क्यू आएगा क्यों क्योंकि ये जो कंडक्टर है जो शेल है ये न्यूट्रल है और आइसोलेटेड है तो टोटल चार्ज क्या रहेगा जीरो रहेगा तो टोटल चार्ज जीरो होगा तो माइनस क्यू इधर आ गया तो प्लस क्यू आ गया अब आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पे आप क्या करते हैं गोशियन सरफेस बनाते हैं तो आपने इसकी ये गोशियन सरफेस बना दी इस तरह से ये गोशियन सरफेस बना दी और आप यहां पर गोस्लो को अप्लाई करते, तो करते हैं तो लो को अप्लाई करते हैं तो लो क्या बोलता है आपका ठीक डी अपॉन क्यू इन अपॉन एपसालन नोट तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्वल टू क्यू इन अपॉन एपसालन नोट ये इसका गोस्ट का रिलेशन है अब ई डॉट डी ए हमें बताया यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो ई मल्टीप्लाई बाई डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल आता है अब इस गोशियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना है तो Q माइनस क्यू प्लस क्यू तो टोटल चार्ज क्या होगा Q अपॉन एफ नॉट ये रिलेशन होगा आप इसको सिंप्लीफाई करें एक स्टेप और तो ई e, तो ये क्यू अपॉन एफ नॉट ये टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा तो ये फोर आ गया यहां पे और ये फोर पाई आर स्क्वायर हमें पता है फोर पाई एफ सालन नॉट वन अपॉन फोर पाई एफ सालन नॉट क्या होता है स्मॉल के क्यू अपॉन फोर आर स्क्वायर तो ये वैल्यू जो है वन अपॉन ये वाली वैल्यू फोर पाई एफ सालन नॉट ये वैल्यू होती है स्मॉल के क्यू फोर आर स्क्वायर तो ये यहां पर फोर्स होगा तो राइट right आंसर होगा ऑप्शन थ्री के क्यू अपॉन फोर आर स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई वेक्टर इक्वल्स टू वाई आई के प्लस एक्स जेके न्यूटन पर परकुलाम दर्क डन ए चार्ज ऑफ वन कुलाम फ्रॉम आर ए वेक्टर इक्वल्स टू टू आई के प्लस टू जेके मीटर टू आर बी वेक्टर इक्वल्स टू फोर आई के प्लस जेके मीटर इस एक विद्युत क्षेत्र ई e सदिश बराबर वाई आई के प्लस एक्स जेके न्यूटन पर कुलाम द्वारा दिया जाता है एक आवेश 1 कुलाम को स्थिति सदिश बराबर प्लस टू जे मीटर से स्थिति सदिश बी आर बी बराबर फोर आई प्लस जे मीटर तक चलाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा देखिए आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका कंजर्वेटिव फील्ड होता है और कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करता है ठीक है अब चार्ज को कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं इसको टू कोमा टू से आप फोर कोमा वन तक मूव करवा रहे हैं तो जब टू कोमा टू से फोर कोमा वन तक आप मुंह करवाते हैं चार्ज वन गुलाम को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मुंह कराने में जो विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य होगा वो ज्ञात करना है चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं देखिए ये है आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो है वाई और एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कितना है वाई ठीक है मैग्नीट्यूड और एक्सिस के लोग कितना है जे एक्स जे के तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो गया ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना भी लिखे तो चलेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये वैल्यू होगी आई बात सुन अब देखिए यहां पर स्थिति सदिश आर ए टू कोमा टू यानी कि यह एक्स के अनुदिश दो और वाइस के अनुदिश भी दो तो यह आपके ए बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक कितने टू कोमा टू हो गया ठीक है एक्स अख्स के अनुदेश दो वाइक्स के अनुदिश भी दो अब इसको एक कुलाम आवेश को कहां से कहां तक लेके जाएंगे चार कोमा एक तक तो चार कोमा एक यानी कि एक्स के अनुदिश तो चार हो गया और वाई एक्स के अनुदिश हो गया आपका एक तो ये दूरी तो होगी एक तो ये बी बिंदु हो गया आपका और इसके निर्देशांक हो गए चार कोमा एक हो गया अब आवेश को यहां से ए से बी तक लेके आना है ठीक है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ठीक है वो है आपका वाई के प्लस जे के ये हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं समझिए देखिए डी डब्ल्यू सबसे पहले हमें कार्य निकालना है तो कार्य क्या होता है एफ डॉट डी एक्स होता है ठीक है एफ डॉट डी एक्स होता है एफ की वैल्यू क्यू इन टू ई हो जाती है ठीक है तो ये आपका डी डब्ल्यू इक्व टू एफ डोट डी आर यहां लेते हैं हम डी आर तो डी डब्ल्यू एफ इक्वस टू क्या हो गया क्यू ई डोट डी आर हो गया तो डी डब्ल्यू यानी कि हमने एक अल्पांश लिया इस अल्पांश में मुंह कराने यानी कि इसको अल्प दूरी पे मुंह कराने में जो कार्य होगा इस आवेश पर लगने वाले बल और जो विस्थापन है डी इन दोनों का बिंदु गुणनफल फल होगा ये हम कार्य ऊर्जा प्रमेय के कॉन्सेप्ट से ले रहे हैं इलेवंथ का जो चैप्टर है अब क्यू की वैल्यू कितनी है वन कुलाम तो वन को छोड़ दो वन ई e, e की वैल्यू कितनी है तो ये वाई आई के प्लस X JK जेके डोट डी आर इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स आई के प्लस डी वाई जेके डी एक्स आई के प्लस डी वाई रिलेशन हो गया वाई आई के प्लस एक्स अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आई को आई से तो ये आपका हो गया अच्छा इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो जब बहुत साइड इंटीग्रेशन करते हैं हम तो पूरे पथ का कार्य आ जाता है ठीक है तो यहां पर भी साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरे पथ द्वारा कार्य आ जाता है तो ये अल्पांश में तो होता है डी निकालना हो तो इसका बहुत साइड इंटीग्रेशन कर देंगे समाकलन कर देंगे तो डीडब्ल्यू और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो अलग अलग लिख दो इसको तो ये y dx y dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी वाई आपने क्या किया आई को आई से गुणन किया जे को जे से किया और इसका अलग अलग समाकलन कर लिया अब देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है यानी कि कुल कार्य मीन्स ए से बी तक लाने में कुल कार्य अब कुल कार्य करेंगे तो देखिए यहां पर किस तरह से होगा उसको समझिए हमें बताया ये संरक्षी बल है और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है तो मैं इसको ऐसे लेके जाता हूं पहले दो कोमा दो से मैं इसको यहां पर ऐसे लाता हूं तो ये निर्देशांक कितना हो गया मेरा दो कोमा ये तो हो गया दो कोमा एक हो गया तो पहले मैं दो कोमा एक तक लाता हूं फिर इसके बाद इसको ये एक अनुदिश ले जाता हूं तो ये चार कोमा एक हो गया तो पहले जब मैं यहां से ए से ये सी बिंदु तक लाया जब ए से सी तक लाऊंगा तो क्या नियत रहेगा एक्स नियत रहेगा तो ये एक्स नियत हो गया ठीक है और वाई की वैल्यू परिवर्तित हो रही है तो वाई की वैल्यू परिवर्तित हो रही है ठीक है और जब मैं यहां सी से बी तक जाऊंगा तो क्या नियत रहेगा वाई नियत रहेगा और परिवर्तित क्या हो रहा है एक्स हो रहा है तो डीएक्स हो गया तो इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ये वाई की वैल्यू आपकी नियत है और वो कितनी है एक ठीक है इंटू डी और dx की वैल्यू क्या है कहां से कहां तक है ये टू से लेके फोर तक है x की वैल्यू यहां पे दो है यहां चार है तो इसकी लिमिट होगी टू मल्टीप्लाई बाई फोर तो वन मल्टीप्लाई बाई डी एक्स और इसकी लिमिट होगी टू टू फोर होगी प्लस इंटीग्रेशन अब जब x नियत है तो x तो नियत इसमें वो कितनी है टू तो ये टू डी वाई और y की वैल्यू कहां से कहां तक है ये टू से लेके वन तक आ रहे हैं तो लोअर लिमिट है टू और अपर लिमिट है वन इंटीग्रेशन कर देते हैं सोल्व कर लेते हैं तो ये आपके dx का इंटीग्रेशन x हो गया लिमिट पुट की टू टू फोर प्लस ये टू बाहर ले लिया dy का इंटीग्रेशन y हो गया लिमिट होगी टू टू वन होगी लिमिट पुट करें तो ये फोर माइनस टू प्लस टू और ये हो गया वन माइनस टू फोर माइनस टू कितना होता है टू प्लस टू माइनस वन तो ये टू माइनस टू आ गया यानी कि जीरो आ गया तो यहां पर इस आवेश को आर ए से आर बी तक चलाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा शून्य होगा जीरो होगा आई में तो ये आपके जब भी संरक्षी बल क्षेत्र में आप किसी भी आवेश को गति कराते हैं तो संरक्षी बल क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य इस तरह से ज्ञात किया जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए कंडक्टिंग स्वेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज चार्ज टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट सरफेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर वेयर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर विल बी एक कैपिटल आर त्रिज्या के चालक गोले को इसकी सतह पर ई विद्युत क्षेत्र तक आवेशित किया गया इसके केंद्र से स्मॉल आर स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर है पर विद्युत विभव होगा ठीक है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर और इसका जो विद्युत क्षेत्र है सतह पर विद्युत क्षेत्र वो आपको ई दिया हुआ है ठीक है अब आपको इसके केंद्र से दूरी आर अब केंद्र से दूरी आर जो स्मॉल आर की वैल्यू वो कैपिटल आर से ज्यादा है यानी कि गोले के बाहर हो गया तो गोले के बाहर इस पर विद्युत विभव कितना होगा इस गोले के कारण वो ज्ञात करना है देखिए इसका सॉल्यूशन ये एक चालक गोला है इसकी त्रिज्या हो गई आर अब इस पर विद्युत क्षेत्र है तो इसका इस पर आवेश होगा तो इस पे आवेश मान लिया कैपिटल क्यू है तो यह विद्युत क्षेत्र है टू के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर यह आपका विद्युत क्षेत्र का मान इसकी सतह पे हो गया अब आपको इसके बाहर की तरफ आउटसाइड इसके बाहर की तरफ इसके केंद्र से स्मॉल r ये यहां पर आपको विभव ज्ञात करना तो हमें पता है गोले के बाहर जो विभव होता है वो होता है स्मॉल k आवेश q और ये दूरी होती है स्मॉल r बाहर की दूरी केंद्र से उस बिंदु की दूरी होती है kq r ये समीकरण दो होगी आप यहां से वैल्यू एक से उठा और इसके अंदर पुट कर दें। आंसर आ जाएगा तो ये वी क्यू की वैल्यू कितनी है ई कैपिटल आर स्क्वायर तो ई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर तो ये विभव आ गया तो राइट आंसर होगा ई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर तो राइट right आंसर है ऑप्शन फोर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री लार्ज प्लेट्स हैविंग चार्ज टू क्यू कोमा माइनस क्यू कोमा थ्री क्यू आर प्लेस्ड पैरल टू ईच अदर चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ फर्स्ट प्लेट विल बी तीन विशाल प्लेटें जिनका आवेश टू क्यू माइनस क्यू कोमा थ्री क्यू है को एक दूसरे के समांतर रखा गया प्रथम प्लेट की बाहरी सतह पर आवेश होगा यह ज्ञात करना है तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये तीन प्लेट है। जब तीन एक दूसरे से इंफाइनाइट सेपरेशन पर है तो यहां पर एक प्लेट पे चार्ज टू क्यू दूसरे पे माइनस क्यू और थ्री क्यू तीसरे पे जब इनको इंफाइनाइट से पास में लाते हैं तो इनकी सतह पे चार्ज का पुनः वितरण होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को यहां समझेंगे उसी के बेसिस पे इसका आंसर निकल के आएगा देखिए भाई सॉल्यूशन। ये आपने तीन प्लेट ली ये इनफाइनाइट लेंथ की तीन प्लेट है कंडक्टिंग प्लेट जब ये तीनों इंफानाइट से पास में लाते हैं इन्फाइट से तो टोटल चार्ज तो ईच प्लेट पे उतना ही रहेगा जितना इन्फानाइट पे था क्योंकि ये आपस में किसी तरह से कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं ये है आइसोलेटेड है विलगित है तो इसपे टू क्यू इस पे माइनस क्यू और इसपे कितना है थ्री क्यू चार्ज है तो भाई इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी आपको आवेशित चार्ज प्लेट दी हुई है और उन पर आवेश का पुनः वितरण करना है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले निकाय में जितना भी आवेश है जितना भी आवेश है उसको जोड़ दें और उसको दो भागों में विभाजित करके आउटर प्लेट की आउटर सरफेस पे रख दे तो यहां पर सबको जोड़ दो तो ये टू क्यू माइनस क्यू प्लस थ्री क्यू डिवाइड बाई टू तो ये आपका हो गया फाइव क्यू माइनस क्यू फोर क्यू फोर क्यू बाई टू यह आपका हो रहा है q तो ये आवेश क्या होगा आउटर प्लेट की आउटर सरफेस पे रख दें यानी कि आउटर प्लेट कौन सी है ये दोनों ये दोनों आउटर प्लेट है बाहर वाली प्लेट है तो बाहरी वाली प्लेटों की बाहरी सतह पे रख दें तो इस पे भी कितना होगा 2q होगा और इस पे भी 2q होगा अब इस पे टोटल चार्ज 2q है तो इस पे कितना आएगा इधर ही आ गया 2q तो इधर तो आएगा 0 ठीक है इस टू क्यू आ गया इधर टोटल थ्री क्यू है तो ये क्यू हो गया हमें पता है कंडक्टिंग प्लेट्स के आमने सामने वाली सरफेस पे सेम नेचर चार्ज होता है तो इस Q के सामने क्या होगा अपोजिट नेचर चार्ज होगा माइनस क्यू जब ये माइनस क्यू टोटल चार्ज है इस प्लेट पे और माइनस क्यू इसकी राइट वाली सरफेस पे आ गया तो इधर कितना होगा जीरो होगा तो इस तरह से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा आपसे क्वेश्चन में पूछा है प्रथम प्लेट के ठीक है बाहरी सतह पर आवेश होगा तो इसकी प्रथम प्लेट है इसकी बाहरी सतह पर आवेश तो 2q है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन टू 2q नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है ए प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नॉट टूवर्ड्स एन फिक्स्ड अल्फा पार्टिकल from very large distance, the distance of closest approach is एक प्रोटॉन को बहुत अधिक दूरी से एक स्थिर एल्फा कण की ओर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के नोट से प्रक्षेपित किया जाता है निकटतम पहुंच की दूरी क्या होगी ज्ञात करना है। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है एक प्रोटोन है जो कि बहुत अधिक दूरी से एक एल्फा कण जो कि स्थिर अवस्था में है उसकी तरफ आ रहा है और जो प्रोटोन है उसकी पे यानी कि जब वो कण से डिस्टेंस पे बहुत अधिक दूरी पे है, तब उसकी गति कितनी है? के नोट है ठीक है तो ये इसकी इस ये जो प्रोटोन है ये एल्फा के पास कितनी न्यूनतम दूरी तक पहुंच पाएगा ये आपको निकटतम दूरी ज्ञात करनी है ठीक है तो देखिए प्रोटोन और ये एल्फा पार्टिकल हो गया अब ये प्रोटॉन इंफिनिटी पे है इसके पास यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो है आपकी not, cannot, ये इससे पास आ रहा है है जब ये इसके पास आएगा इसके पास आता जाएगा तो प्रोटॉन और एल्फा दोनों पर सेम नेचर चार्जेस है दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है दोनों एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे तो ये एल्फा पार्टिकल जब प्रोटोन पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो ये क्या होगा इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और एटलास कहीं पे जाके ये प्रोटॉन जो होगा वो स्थिर अवस्था में आ जाएगा जब ये स्थिर अवस्था में आएगा तो इसका वेग शून्य हो जाएगा और यहां पर ये जो न्यूनतम दूरी आपको आर ज्ञात करनी है। तो देखिए हम यहां पर क्या लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करें

नेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कानेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये प्लस पोटेंशियल क्या कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है तो चलिए लिखते हैं इसकी कानेटिक एनर्जी तो यहां पर ये कानेटिक एनर्जी इनिशियली है के नॉट पूरे सिस्टम की लिखेंगे एल्फा पार्टिकल रेस्ट पोजिशन पे तो इसकी जीरो हो जाएगी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल इंफानाइट सेपरेशन पे है अब जब दो चार्ज पार्टिकल इन्फानाइट सेपरेशन पे होता है तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो है अब ये इसके पास में आएगा यहां पर ये रेस्ट पोजीशन पे आएगा तो ये पार्टिकल जो है रेस्ट पोजीशन पे आते हैं इसकी कॉनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो इसकी कॉनेटिक एनर्जी जीरो और एल्फा पार्टिकल तो ऑलरेडी रेस्ट पोजिशन पे तो जीरो प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 टू अपॉन आर तो Q1 तो कितना है इस पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है प्रोटोन पे प्लस ई e. और इस पे कितना होता है एल्फा पार्टिकल पे कितना होता है प्रोटोन का डबल होता है तो मल्टीप्लाई बाई टू ई अपॉन आर ये आर सेपरेशन तो ये पोटेंशियल एनर्जी ये होगी बात में हमें आर ही निकालना है तो रीअरेंज करें तो आर इक्वल्स टू टू के ई स्क्वायर अपॉन टू के ई स्क्वायर अपॉन के k के को आप लिख सकते हैं टू टाइम्स कैंसिल हो गया तो आर की वैल्यू स्क्वायर अपॉन टू पाई एफन नॉट के नोट ई स्क्वायर अपॉन टू पाई एफ सालन नॉट के नॉट ये किसमें आ रहा है आपका ये आपके आ रहा है ई स्क्वायर अपॉन टू पाई एफ सालन नोट के नॉट तो राइट right आंसर होगा ऑप्शन टू ई स्क्वायर अपॉन टू पाई एफ सालन नॉट के नोट आई बात में तो इस तरह से हम जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज टू मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टू कैपिटल आर हैव इक्वल सरफ़ेस चार्ज डेंसिटीज़ ऑन है सर्फेसिस द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन देयर सर्फेसिस इज कैपिटल आर तथा टू कैपिटल आर त्रिज्या के दो धात्विक गोलों की सतह पर समान प्रश्नावेश घनत्व है। इनकी सतहों पर विद्युत क्षेत्रों का अनुपात होगा देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दो धात्विक गोले हैं जिनकी त्रिज्या आर और टू आर दी हुई जो कि अलग अलग है लेकिन यहां पर दोनों का जो है पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान है यानी कि दोनों का सिग्मा समान है तो आपको ज्ञात करना है इन दोनों पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका अनुपात क्या है वो हमें ज्ञात करना है क्लियर तो देखिए इसके सॉल्यूशन को किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं देखो बच्चों, हमें पता है पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या होता है सिग्मा एक टू होता है आपका क्यू अपॉन एप्सैल नोट बिल्कुल सही बात तो यहां पर अगर ये एक गोला है इसकी त्रिज्या आर है ये दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या टू आर है अगर इसपे पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा वन और इसपे विद्युत क्षेत्र ईवन है

सिग्मा वन हो गया आपका क्यू वन अपॉन इसका प्रश्न क्षेत्रफल हो गया फोर पाई आर स्क्वायर इसका सिग्मा टू तो आवेश हो गया क्यू टू अपॉन फोर पाई टू आर होल स्क्वायर तो यह आपका हो जाएगा फोर आर होल स्क्वायर ठीक है फोर पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है तो यहां पर क्यू वन अपॉन Q2 का जो अनुपात आ रहा है रेशो आ रहा है Q1 वन अपॉन क्यू टू वो वन इज टू फोर आ रहा है। ये वन इज टू फोर आया अब आपको क्या निकालना है इन दोनों जो स्फेयर है इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो E1 वन अपॉन ई तो E1 कितना होगा ये होता है K Q1 अपॉन आर स्क्वायर और E2 क्या होगा के इस पर आवेश कितना है क्यू टू चार्ज कितना है क्यू टू तो क्यू टू अपॉन रेडियस टू आर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया फोर आर स्क्वायर हो जाएगा आपको इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है दोनों को डिवाइड कर दें तो के से के कैंसिल हो गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू ये आपका फोर ऊपर चला जाएगा तो फोर क्यू वन अपॉन क्यू टू और क्यू वन अपॉन क्यू टू की वैल्यू क्या दी हुई वन बाई फोर तो यहां पर ही हो गया फोर मल्टीप्लाई बाय वन बाई फोर तो क्या आंसर आएगा आपका ये वन अपॉन वन यानी कि वन इज टू वन तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री वन इज वन आई बात समझ में तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सोल्व किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय ई बाईक् टू थ्री एक्स स्क्वायर इफ पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू जीरो किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र ई e बराबर थ्री एक्स स्क्वायर द्वारा दिया जाता है यदि एक्स बराबर जीरो पर विभव दस वोल्ट है तो एक्स बराबर दो मीटर पर विभव होगा देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है ई e बराबर थ्री एक्स जाता है जहां पर X बराबर पर बराबर विभव कितना है दस वोल्ट है तो एक्स बराबर दो मीटर पर कितना विभव होगा यह हमें ज्ञात करना है आई बात में तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं यहां पर हमें इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है यहां पर ये ई e विद्युत क्षेत्र है डीवी क्या है दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर है और डी क्या है उन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी है यहां माइनस साइन ये बताता है कि आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो विभव घटता है ठीक है हमें सिर्फ ज्ञात करना है विभो का मान ज्ञात करना है तो हम इस साइन साइन को हटा देते हैं माइनस को और हम सिंपल सा रिलेशन लेते हैं इक्व टू वी बाई आर ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया ठीक है तो ईक्वस टू वी बाई आर ऐसे लिख सकते हैं आप ठीक है या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म है ठीक है तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे डी वी इक्वस टू माइनस ई डी आर ये भी लिख सकते हैं क्लियर अब इसका इंटीग्रेशन करता है देखिए इंटीग्रेशन dv माइनस ई e की वैल्यू कितनी है थ्री एक्स स्क्वायर अब यहां पर यह जो दूरी जो परिवर्तित हो रही है एक्स दिशा में हो रही है तो आप यहां पर आर की जगह क्या लिखेंगे एक्स लिख देंगे डी एक्स भाई वेरिएबल क्या आपका एक्स तो ये आपका हो गया थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स अब देखिए यहां पे लिमिट पुट करेंगे जब एक्स की वैल्यू जीरो है ठीक है तो विभो कितना है दस वोल्ट, तो ये दस वोल्ट हो गया जब एक्स की वैल्यू टू है तो एक्स की वैल्यू टू है तो आपको ज्ञात करना है तो बस इसको इंटीग्रेट कर लें सोल्व कर लें तो डीवी का इंटीग्रेशन वी लिमिट पुट की तो वी माइनस हो गया तो वी माइनस हो गया माइनस एज इट इज थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका थ्री एक्स क्यू बाई थ्री थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा तो थ्री एक्स क्यूब बाई थ्री और लिमिट होगी जीरो से टू ये थ्री से थ्री कैंसिल तो जीरो तो उधर तो गया प्लस माइनस एट यानी कि टू वोल्ट तो यहां पर जो राइट आंसर होगा टू मीटर पे जो विभव होगा वो होगा आपका टू वोल्ट राइट आंसर होगा टू वोल्ट तो ये इस तरह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ हो जो वेरिएबल है एक्स के साथ चेंज हो रहा है आपको किसी पोजीशन पे वी दिया हुआ है किसी नेक्स्ट पोजीशन पे भी याद करना है तो ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको सोल्व कर लेते हैं आई बात समझ में अब करते नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल Contain a charge capital Q on it. A point charge small q is placed at the center of the shell and another charge q1 is placed outside it as shown in the figure. All the three charges are positive. The force on the central charge due to the shell is एक पतले चालक गोलीय कोष पर आवेश कैपिटल क्यू है एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू गोलीय कोष के केंद्र पर स्थित है तथा एक अन्य आवेश क्यू वन कोश के बाहर चित्रानुसार स्थित है तीनों आवेश धनात्मक है तो गोलीय कोश के कारण केंद्रीय आवेश पर लगने वाला बल होगा देखिए आपको यह एक फिगर दिया हुआ ये एक आपको पतला गोलीय कोष है चालक गोलीय कोष है इस पर सत, जो आवेश है इस समय कैपिटल क्यू है सतह पर है बाहर की तरफ होता है। इसके केंद्र पर एक क्यू चार्ज रख दिया अब एक आवेश बाहर की तरफ है क्यू वन चार्ज बाहर की तरफ रखा हुआ ठीक है तो आपको ज्ञात करना है इस गोलीय कोश के कारण इस इसके कारण सिर्फ जिस गोली कोष के कारण केंद्रीय आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा यह ज्ञात करना है तो देखिए यहां पर यह क्यू चार्ज है इसके कारण यहां पर इसकी सतह पर एक आवेश जो है प्रेरण से इंडक्शन से उत्पन्न होगा तो यह क्यू के सामने यहां कितना होगा माइनस क्यू हो जाएगा और यहां प्लस क्यू हो जाएगा ठीक है यह कैपिटल क्यू तो जितना चार्ज इस तरफ है इस क्यू के लेफ्ट में उतना है राइट में भी है ठीक है अब देखिए यहां पर किसी भी गोले कोश के अंदर कोई भी आवेश रखा होता है तो उस पे कुल बल कितना होता है शून्य होता है ठीक तो है तो इस पर कुल बल शून्य है तो इस पर जो एफ नेट है कुल बल है वो एक तो किसके कारण है इस जो आवेश प्रेरित हो रहा है यानी कि जो चाल इसके आवेश है इसपे कुल आवेश है ठीक है कोश पर है तो एक तो एफ कोश ठीक है और एक ये आवेश जो क्यू वन बाहर रखा हुआ है इसके कारण इन दोनों के कारण जो कुल बल होगा इस क्यू पे उसका परिणाम ही क्या होगा शून्य होगा क्योंकि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है विद्युत बल भी क्या होगा शून्य हो जाएगा अब यहां पर जो एफ कोश है वो किसके माइनस एफ क्यू वन आई बात सुन अब ये Q और ये Q1 दोनों सेम प्रकृति के हैं एक समान प्रकृति के हैं तो ये Q1 वन इसपे इधर की तरफ रिपल्शन फोर्स लगाएगा तो ये एफ क्यू इधर लगेगा तो बाकी का काश के कारण इस पर जो लगना चाहिए बल वो इस दिशा में लगना चाहिए दाई तरफ तो ये एफ कोश इस पे दाई तरफ लगेगा तो ये Q1 और कोश जो है ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाएंगे तो इस कोश के कारण इस केंद्र पर रखे सेंट्रल पर रखे आवेश स्मॉल Q पे जो कुल बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा दाई तरफ लगेगा यानी कि टूवर्ड्स राइट लगेगा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन टू टूवर्ड्स राइट दाई तरफ आई बात समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज ए चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू कोमा एम इज रिलीज्ड फ्रॉम एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग क्यू कोमा कैपिटल आर फ्रॉम एक्सियल डिस्टेंस एक्स इक्वल्स टू अंडर पार्टिकल एट सेंटर ऑफ रिंग इज एक आवेश कण माइनस क्यू कोमा एम को एक आवेश वलय कैपिटल क्यू कोमा आर की अक्षीय दूरी एक्स बराबर अंडर उर से मुक्त किया जाता है वलय के केंद्र पर कण का वेग होगा तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है एक आवेशित वलय आवेश वलय वलय पर जो आवेश है वो कैपिटल क्यू है और इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर अब इसके अक्ष पे कितनी दूरी पे एक्स बराबर रूट थ्री आर दूरी पे एक आवेशित कण है जिस पे आवेश कितना है माइनस क्यू है और उसका द्रव्यमान एम है उसको वहां से रिलीज किया जाता है उसको वहां से छोड़ा जाता है तो जब ये वलय के केंद्र पर पहुंचेगा तो इसका वेग कितना होगा हमें ये ज्ञात करना है तो देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन देखिए ये है वलय ये इसका अक्ष हो गया एक्स अक्ष अब ये इसकी त्रिज्या होगी आर और इस पर आवेश है क्यू धनात्मक आवेश त्रिज्या कैपिटल आर अब ये जो दूरी है ये है एक्स बराबर रूट थ्री आर एक्स बराबर रूट थ्री आर पे यहां पर ये आवेश है ये आवेश है माइनस क्यू कोमा एम माइनस क्यू कोमा एम ये आवेश है, अब इस आवेश को आप यहां से रिलीज करेंगे तो देखिए यह आवेश जो है ये धनात्मक आवेश ये ऋणात्मक आवेश आकर्षण का बल लगेगा तो ये यहां से जाएगा और यहां से जाता जाता जब ये यहां पर पहुंचेगा तो आपको क्या ज्ञात करना है इसके केंद्र बिंदु पे जब यह पहुंचेगा तो इसका वेग चाल क्या होगी ज्ञात करें तो देखिए यहां पर आप क्या लगाएंगे कॉन्सेप्ट वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो यहां की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्रारंभ में निकाय की और जब ये यह यहां पहुंच जाएगा केंद्र पर वहां पर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली आई बात सामने चले भाई कानिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू कानेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कानेटिक एनर्जी अब यहां की कॉनेटिक एनर्जी क्या है तो यहां तो रेस्ट पोजिशन पे आपने छोड़ा तो जब ये रेस्ट पे है तो इसकी कानेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है जीरो है अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तो इस रिंग और इस चार्ज इस सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी तो इसके कारण यहां पर जो पोटेंशियल होगा उसको इस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये आप पाइथोग तो रूट थ्री आर स्कवायर प्लस आर स्क्वायर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टू आर आती है तो ये डिस्टेंस हो जाती है टू आर तो इसके कारण यहां पर जो पोटेंशियल होगा माइनस माइनस क्यों क्योंकि ये चार्ज है माइनस क्यू तो के इसपे चार्ज हो गया क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ये टू आर यह पोटेंशियल एनर्जी होगी इक्वल्स टू अब बात करते हैं हम यहां पर कानेटिक एनर्जी तो इसकी कानेटिक एनर्जी हाफ एम और ये वी हमें ज्ञात करना है तो ये वी किसकी स्पीड और चाल होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो इसके केंद्र पर जो विभव होगा पोटेंशियल होगा उसको चार से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर तो यहां पर इस वलय के कारण जो विभो होता है पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर ठीक है तो माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया सिंप्लीफाई कर लें इसको तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका वन बाई टू एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू रीअरेंज किया ये उस तरफ जाएगा या इसको इस तरफ ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन टू आर वन बाई टू एम वी स्क्वायर इक्वल टू सिंप्लीफाई किया तो ये होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन टू आर आर जो लेंगे कैपिटल लेंगे ठीक है रीअरेंज कर लें इसको तो रीअरेंज करने पे v स्क्वायर की वैल्यू आ रही है टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम नीचे आएगा तो ये आपके टू टू से तो टू कैंसिल हो गया तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं तो ये टू से टू भी यहां कैंसिल हो गया तो ये हो गया एम आर हो गया तो के क्यू क्यू अपॉन एम आर आई बात समझ में तो राइट आंसर होगा ऑप्शन वन वीक वस्तु जो है ये आपका हो जाएगा अंडर रूट के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर तो राइट right आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वन अंडर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर क्लियर आई बात समझ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पॉइंट चार्ज 50 micro -coulomb is located in xy plane at the point of position vector r naught vector equals to 2 ik plus 3 jk. What is the electric field at the point of position vector r vector equals to 8 ik minus 5 jk? Pachas micro coulomb. का एक बिंदु आवेश एक्स वाई तल में एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश आर नोट सदिश बराबर टू आई के प्लस थ्री जे के पर स्थित है एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश आर सदिश बराबर आठ आई के माइनस पांच जेके पर विद्युत क्षेत्र होगा देखिए आपको एक्स वाई तल में एक आवेश दिया हुआ है पचास माइक्रोकुल तो ये पचास माइक्रोकुल का एक बिंदु आवेश XY तल में कहां रखा हुआ है इस स्थिति सदिश के पर रखा हुआ है, ठीक है एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश कितना है आठ आई माइनस पांच जे वहां पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है क्योंकि ऑप्शन में आपको परिमाण ही दिया हुआ है तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा ये x और ये y तो आप 2i आई प्लस थ्री की बात करें तो ये जो स्थिति सदिश होगा आर नोट ये तो 2 और ये 3 तो ये आपका हो गया आर नोट सदिश जो कि कौन सा है 2i आई प्लस थ्री के अब यहां पर आवेश रखा हुआ है 50 माइक्रो कुलम आवेश यहां पे रखा हुआ आपको कहां याद करना आठ आई माइनस पांच तो आठ आई इधर की तरफ और माइनस पांच कि नीचे की तरफ ये हो गया तो ये आर सदिश जो हो गया आठ आई माइनस पांच जे पर विद्युत क्षेत्र होगा तो आपको ये आवेश यहां रखा है तो आपको ये दूरी निकाल लेनी है तो ये दूरी निकाल लेते हैं देखिए दूरी कैसे निकालते हैं क्या करेंगे हम ये सदिश आर सदिश मान लो ठीक है तो आर नॉट प्लस ये आपका हो गया आर सदिश बराबर त्रिभुज का नियम लगाए प्लस आर बराबर ये आपका आर डे ले लो तो आर नोट प्लस आर डेश बराबर क्या हो गया ये आपका आर हो गया आपको आर डेश निकालना तो आर डेश सदिश बराबर आर सदिश माइनस आर नोट सदिश बस आर में से आर नोट को घटा दो तो आर तो है आर ये इसमें से इसको घटाएं तो आई में से आई गया तो ये आर आठ में से दो तो ये हो गया छ आई के माइनस पांच में से तीन गया तो माइनस आठ जेकेब इसका परिमाण निकालें तो परिमाण क्या होगा छ का स्क्वायर छत्तीस आठ का स्क्वायर चौसठ तो अंडर सो, सो कि दस तो ये दूरी आ गई आपकी दस आ गई दस मीटर आगे अब इस बिंदु आवेश के कारण दस मीटर दूरी पर आपको क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र निकालना है. तो E टू क्या होता है के क्यू आर के की नौ इंडो दस की वैल्यू आवेश पचास माइक्रो मीनस दस की घात माइनस छ और दूरी कितनी दी हुई है दस दस का स्क्वायर हो गया है सो आई बात समझ में तो ये इससे कैंसिल ठीक है तो ये ऊपर जाएगा दस की घात माइनस ये हो गया दोनों मिलके दस की घात माइनस एट हो जाएगा ऊपर गया दस की घात माइनस दो दस की घात माइनस एट ये दस की घात माइनस एट से ये दस की घात प्लस एट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा नो इंटू दस इंटू पचास पैतालीस सौ तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर चार हजार पांच सौ वोल्ट पर मीटर आई बात में तो इस तरह से यह क्वेश्चन सोल्व किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन next question an infinite non conducting sheet of charge has a surface charge density of 10 to the power minus 7 coulomb per meter square the separation between two equipotential surfaces near the sheet whose potential differ by 5 volt is ek anant parat का आवेश घनत्व 10 की घात माइनस सात कुलोम पर मीटर स्क्वायर है दो संविभो पृष्ठ जिनका विभवांतर 5 वोल्ट है के मध्य अंतराल होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक अनंत कुचालक आवेश घनत्व आपको दे दिया दस की घात माइनस सात कुलोम पर मीटर स्क्वायर अब दो पृष्ठ है, ठीक है इसके पास में कोई दो संविभो है, जिनका विभ्वांतर कितना है पांच वोल्ट है तो इनके मध्य अंतराल कितना होगा यह हमें तो अंतराल ज्ञात करना है, तो सॉल्यूशन देखें, हमें पता है इक्व e टू जो होता है वो विभवांतर अपॉन उनके मध्य की दूरी के अनुपात के बराबर होता है तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा विभवांतर अपॉन उन दोनों परतों के मध्य की दूरी जो कि डी से रिप्रेजेंट कर दो या आर से रिप्रेजेंट कर दो आपको यहां पर ये v अपॉन भी लिख सकते हैं जहां R दूरी है दोनों के मध्य और v क्या है विभवांतर है आपको अंतराल ही याद करना है तो टू क्या हो गया? V e हो गया गया v v अपॉन आपको दिया हुआ है फाइव अब e की वैल्यू क्या है अनंत कुचा लग है तो ये होता है सिग्मा अपॉन टू एफसेलन नॉट तो वैल्यू पुट कर दें तो v e e की वैल्यू क्या होगी सिग्मा अपॉन टू एफसेन नोट तो ये टू पर चला गया एप्सालन नोट ये हो गया तो ये आर की वैल्यू टू वी की वैल्यू पांच एपसालन नोट एट पॉइंट एट फाइव इंटू दस की घाइनस ट्वेल्व और सिग्मा की वैल्यू दी हुई है आपको टेंस टू पावर माइनस सेवन आई बात सुनो सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये इससे तो ये टेंस टू पावर माइनस फाइव ये दस तो ये बचा यहाँ पे टेंस टू तो पावर माइनस फोर तो ये आपका आ गया जीरो पॉइंट एट एट फाइव टेंस टू तो पावर माइनस थ्री टेंस टू तो पावर माइनस थ्री यानी कि मिलीमीटर तो राइट आंसर हो जाएगा जीरो पॉइंट एट एट मिलीमीटर तो राइट आंसर है ऑप्शन टू जीरो पॉइंट एट एट मिलीमीटर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायपोल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन एन आर्क ऑफ रेडियस आर सपटेंडिंग एन एंगल पाई बाय टू एट इट्स सेंटर वेर अनादर चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड इज आवेश प्लस क्यू को आर त्रिज्या के चाप जो कि अपने केंद्र पर कोण पाई बाय टू अंतरित करता है पर एक समान रूप से वितरित किया गया है इसके केंद्र पर एक अन्य आवेश माइनस क्यू रखा गया है इस निकाय का दीवध्रु आगुण क्या होगा ज्ञात करें तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है यह इस तरह से एक आर्क दिया हुआ है जो पाई टू कोण बना रहा है ठीक है तो यह एक आर्क है जो कि पाई बाय टू कोण बनाएगा ये पाई बाय टू कोण बना रहा है ये नब्बे डिग्री हो गया आप इसको बिल्कुल दो बराबर भागों में विभाजित कर दो ये दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया ठीक है अब यहां पर इसकी रेडियस दी हुई है आपको आर ये एंगल है पाई बाई टू तो यह हो गया आपका 45 यानी कि पाई बाई फोर और ये एंगल भी क्या हो गया 45 हो गया दोनों बराबर बराबर एंगल हो जाएंगे 45 45 डिग्री अब इस पर कितना आवेश है इस आर्क पे इस चाप पे कितना है क्यू आवेशन में यहां पर कितना आवेश है इसके केंद्र पर यह माइनस क्यू आवेश है ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ अब इस पूरे निकाय का आपको दिध्रु आगुण बताना है आई तो देखिए कैसे करते हैं आप यहां पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं तो ये थीटा कोण पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं ये अल्पांश जिसका कोण है डी थीटा इसपे चार्ज है डी क्यू तो ये धनात्मक चार्ज डी क्यू हो गया यहां पर क्या है आपका माइनस क्यू है इस माइनस क्यू का भी एक छोटा सा पार्ट लेते हैं माइनस डी क्यू अब ये डी क्यू और ये माइनस डी क्यू ये दोनों मिलके एक डायपोल बनाएंगे और इस डायपोल की जो दिशा होगी वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होगी ये पी की या यूं डी पी की दिशा ये हो जाएगी सेम उसी तरह से आप यहां पर इस समद्विभाजक बाइस सेक्टर के नीचे की तरफ समान कोण पे थीटा कोण पर विपरीत दिशा में एक और अल्पांश लेते हैं ये भी कोण कोण बनाएगा डी थीटा बना रहा इस पर भी कितना चार्ज होगा यहां पर इस अल्पांश पे वही डी क्यू और यहां पर एक और आपने अल्पांश ले लिया माइनस डी क्यू इन दोनों के कारण भी एक डायपोल होगा जो ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होगा यह हो गया आपका डीपी ठीक है सबसे पहले आप इस डीपी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो देखिए डीपी की वैल्यू मैं यहां कैलकुलेट करता हूं ये डीपी आपका यानी कि दो छोटे छोटे चार्ज है और माइनस इन दोनों के मध्य की दूरी है आर और इनका जो द्विध्रुव आगुन डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होता है आवेश और इनके मध्य की दूरी तो आवेश तो हो गया आपका डी क्यू और इनके मध्य की दूरी होगी आर अभी सल्पांश का मान ज्ञात करेंगे डी तो क्यू ज्ञात याद करेंगे डी क्यू क्या हो गया आपका देखिए इस अल्पांश की जो लंबाई है वो है डी एल कौन कितना है डी थीटा हो गया ये DL हो गया तो पता है आपको डी होगा? इकाई लंबाई पर आवेश चार्ज पर यूनिट लेंथ तो ये हो गया चार्ज है इस पे क्यू इसपे कितना है क्यू और ये जो है टू r का एक चौथाई ही हो गया यानी कि पाईआर बाई टू हो गया तो ये लंबाई है पाई आर बाई टू ठीक है अब इसको इसकी लंबाई से गुणा कर देंगे तो डी क्यू आ जाएगा और ये लंबाई है डी एल गुणा आर मल्टीप्लाई बाई आर टू क्यू अपॉन पाई आर एज इट इज ठीक है अब एल क्या होगा कौन बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या तो चाप बराबर हो गया कौन इंटू त्रिजा कौन कितना है डी थीटा तो ये है डी थीटा कौन और त्रिज्या होगी r और ये r ऑलरेडी है आई बात सुन तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या तो चाप कितना है dl कोण d थीटा त्रिज्या होगी इसकी r इस r से ये r कैंसिल हो गया तो ये 2 q r अपॉन पाई d थीटा जहां d थीटा कोण है ये आपका dp का मान आ जाएगा ठीक है तो ये dp है अब ये थीटा कोण पर है इसके दो घटक हो जाएंगे एक घटक होगा इस दिशा में ये होगा आपका डी पी कोस थीटा और इस तरफ हो जाएगा डी पी साइन थीटा इसी प्रकार से ये डी पी इसका इस दिशा में ये हो गया आपका डी पी कोस थीटा जिस तरफ कौन उस तरफ कोस घटक और उसके लंबत हो गया डी पी साइन थीटा डी पी साइन थीटा dp साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे तो एक अल्पांश के कारण जो इस बाइसेक्टर इस समद्विभाजक के अनुदेश दिध्रु आगुण आ रहा है वो है डी पी थीटा यहां पर अनंत अल्पांश ठीक है थीके? तो इसका समाकलन कर देंगे तो एक अल्पांश के कारण है dp अगर इसको एक शख्स लेता हूं ये एक शख्स तो ये डीपी एक शख्स के अनुदेश और एक अल्पांश के कारण कितना है ये है डी पी कोस थीटा अब यहां पर अनंत अल्पांश ठीक है यह हमने धनात्मक लेंगे तो यह ऋणात्मक हो जाएगा इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें dp की वैल्यू वहां से रखेंगे कॉस थीटा एज इट इज और लिमिट पुट कर देंगे इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू आ जाएगी तो यह आ जाएगा dp का इंटीग्रेशन पी एक्स यानी कि जो पी होगा वो ऋणात्मक ठीक है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होता है तो ये आपके पी की वैल्यू होगी और डी की वैल्यू कितनी है टू क्यू आर अपॉन पाई कोस थीटा डी थीटा अब इसकी लिमिट देखें लिमिट होगी इसकी यहां से लिमिट मेजर करेंगे एंगल कहां से मेजर कर रहे हैं इस अक्ष से एक्स दिशा से तो ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होगी तो 45 डिग्री से माइनस पैंतालीस यानी कि पाई बाई फोर से पाई बाई फोर आप इसकी लिमिट पुट करेंगे तो सोल्व करने पे देखिए ये आपके टू क्यू आर अपॉन पाई तो आपने बाहर लिया और थीटा थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन थीटा साइन थीटा ठीक है लिमिट पुट के ये पाई बाई फोर ये माइनस पाई बाई फोर पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर चलिए आप इसको लिमिट में ये माइनस ले सकते हैं क्योंकि निम्न सीमा जो है ऋणात्मक तो ये माइनस ले लेते हैं तो ये प्लस आ जाएगा यहां पर भी क्या होगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा क्योंकि पहले निम्न सीमा रखेंगे जा तो निम्न सीमा कौन सी ऋणात्मक दिशा में तो माइनस फाइव बाई फोर और ये प्लस फाइव बाई फोर आई बात सुनो वैल्यू पुट कर दो तो टू तो क्यू आर अपॉन पाई और साइन पाई बाई फोर माइनस और साइन माइनस फाइव बाई फोर तो माइनस माइनस प्लस हो गया

ये फाइनल आंसर है तो आंसर होगा आपका ऑप्शन वन टू रूट टू क्यू आर अपॉन पाई तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन दी एक्स वाई प्लेन इन वोल्ट पर मीटर इफ ई वेक्टर इक्वल्स टू आई के प्लस अंडर रूट टू जे के प्लस अंडर रूट थ्री के के एक्स वाई तल में स्थित 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की सतह जो कि विद्युत क्षेत्र ई e सदेश बराबर आई के प्लस अंडर रूट टू जे के प्लस अंडर रूट थ्री के के में स्थित है से पारित विद्युत फ्लक्स वोल्ट मीटर में होगा देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक एक्स वाई तल में स्थित एरिया दे दिया जिसका एरिया वैल्यू कितनी है हंड्रेड मीटर स्क्वायर ठीक है अब विद्युत क्षेत्र आपको दिया हुआ है जो कि ई की, e की वैल्यू आपको दी हुई है पारित विद्युत फ्लक्स वोल्ट पर मीटर में होगा तो देखिए ये वाई तल में है ये एक्स वाई तल में रखा हुआ है तो जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो एक्स वाई तल के लंबवत होगा अगर कोई तल आपका किसी क्षेत्रफल का तल यहां पर एक्स वाई है तो उसका जो क्षेत्रफल का डायरेक्शन होता है, उसके लंबवत होता तो ये जेड अक्ष के अनुदिश होगा तो यहां पर सोल्यूशन देखें तो फ्लक्स जो होता है फाइव इक्व टू होता है ई डॉट ए फाइव ई की वैल्यू आपको दी हुई है आई के प्लस रूट टू जे के प्लस रूट थ्री के के डोट एरिया हंड्रेड जेड एक्स के अनुदेश के देखो यहां पर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ के डॉट के ही वन होता है ठीक है तो यहां पर इनका डॉट प्रोडक्ट करने पे आएगा अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो रूट थ्री की वैल्यू होती है वन पॉइंट सेवन थ्री टू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ये आपके आ गया वन सेवनटी थ्री पॉइंट टू वोल्ट मीटर तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 173.2 volt meter. Next question If the electric potential of the inner metal sphere is 10 volt and that of the outer shell is 5 volt, then the potential एट सेंटर विल बी यदि आंतरिक धात्विक गोले का विभव दस वोल्ट है तथा बाह्य कोश का विभव पांच वोल्ट है तो केंद्र पर विभव होगा ज्ञात करें तो देखिए आपको ये आपको सकेंद्रीय गोले दिए हुए हैं ये आंतरिक है यह बाहर वाला है। आपको यहां दिया हुआ यदि आंतरिक धात्विक गोले पर इस पे दस वोल्ट और बाहर वाले पे बाह्य पे पांच वोल्ट है तो केंद्र पर विभव क्या होगा हमें पता है किसी भी गोले के अंदर जो विभव होता है वो उसकी सतह पर जितना होता है अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान होता है ठीक है तो ये खोखले गोले के सतह पर जितना होगा अंदर उतना ही होगा तो यहां पर कितना है दस वोल्ट vale है तो .So, अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा दस वोल्ट vale होगा तो केंद्र पर भी कितना होगा दस वोल्ट होगा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन वन दस वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 270 मिलीलीटर प्योर वॉटर विल बी 270 सौ शुद्ध पानी में कुल धनावेश की मात्रा होगी तो देखिए हमें पता है जल का घनत्व पानी का जो घनत्व होता है वो 10 की घात तीन किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है या वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ठीक है आपको यहां पर जल का आयतन दिया हुआ है आप इसको द्रव्यमान में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 270 ग्राम ठीक है बिकॉज डेंसिटी क्या होती है एम अपॉन वी होती है तो यहां पर जो द्रव्यमान होगा इसका घनत्व तो कितना एक और आयतन कितना है 270 ठीक है तो यह द्रव्यमान हो जाएगा आपका 270 ग्राम तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो 270 ग्राम होगा सबसे पहले बात समझ में आ गई अब शुद्ध पानी में कुल धनावेश की मात्रा देखो जितने प्रोटॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर ठीक है एक एटम के अंदर बात करें अगर वो न्यूट्रल है तो उतने ही क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश तो यहां पर शुद्ध पानी में कुल धनावेश की मात्रा होगी तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं जो दो ग्राम जल है इसमें मोल्स कितने होंगे तो सबसे पहले निकाली जाएगी नंबर ऑफ मोल्स मोल की संख्या तो सबसे पहले निकालेंगे हम सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलिकुलर वेट एम मास हो गया जल का और ये मोलिकुलर वेट अनुभार इसका हो गया एमडब्ल्यू एम की वैल्यू कितनी है 270 और जो जल का अणुभार होता है वो लेंगे हम अट्ठारह तो ये तो क्या निकल गया आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया अब एक मोल के अंदर जो अणुओं की संख्या होती है वो होती है उसके एवगेड्रो नंबर के इक्वल तो अब निकालेंगे नेक्स्ट हमारी स्टेप होगी नंबर ऑफ मॉल्यू यानी कि इस 270 ग्राम जल में कितने जल के मॉलिक्यूल होंगे कितने अणु होंगे तो इसके लिए क्या करते हैं हम इस नंबर ऑफ मोल्स को एवगोद्रो संख्या से गुणा कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स जो है 270 अपॉन 18 इसको जो एवगोद्रो नंबर है आपका 6.02 पॉइंट जीरो टू की घात तेवीस इससे आपने गुणा कर दिया तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया अब हमें पता है एक मॉलिक्यूल ठीक है एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है जल का एक मॉलिक्यूल H2O टू इसके अंदर दस ही इलेक्ट्रॉन होंगे और दस ही प्रोटॉन होंगे आईबासन तो इसके अंदर जब दस ही इलेक्ट्रॉन और जब दस ही प्रोटोन होंगे ठीक तो आपको इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज पूछा जाता तो वो कितना होता तो इसके अंदर अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक मोलिक्यून के अंदर दस प्रोटॉन है तो आप इसको दस से मल्टीप्लाई कर दो तो सौ सत्तर बटे अट्ठारह इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू दस की घात तेवीस दस तो ये नंबर ऑफ प्रोटोन निकल गए अब आपको कुल धनात्मक आवेश निकालना है तो हमें पता है प्रोटोन पे जो आवेश होता है वो एक पॉइंट छह इंटू दस की घात माइनस उन्नीस होता है आप इसको वेल्यूपुट कर दें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो होगा दो सौ सत्तर बटे अट्ठारह इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू दस की घात तेवीस इंटू दस और एक प्रोटॉन पे जो आवेश होगा चार्ज होगा एक पॉइंट छ इंटू दस की घात माइनस उन्नीस होगा आप इसको सोल्व करेंगे तो ये किसमें आएगी इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके आंसर कुलाम में आएगा तो इतना पॉजिटिव चार्ज कुलाम में होगा लेकिन आपको ऑप्शन देखें तो आंसर पूछा हुआ है फिराड़े में पूछा हुआ है तो हमें पता है एक फिराड़े में में हजार पांच सौ कुलाम होते हैं तो इसको फेराड़े में कन्वर्ट करने के लिए आप छजार पाँच सौ डिवाइड कर देंगे तो ये फेराड़े में आएगा तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लगभग एक्सौ पचास फेराडे आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन टू 150 पचास फेराडे नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखिए भाई ए चार्ज हाफ रिंग इज प्लेस्ट ए शोन इन फिगर इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय बाई इक्वल्स टू लेन नोट साइन थीटा थीटा इज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टोटल चार्ज ऑन हाफ रिंक विल बी एक आवेशित अर्धवलय प्रदर्शित चित्रानुसार रखी गई है यदि इसका रेखी आवेश घनत्व लैमडा बराबर लेमडा नोट साइन थीटा द्वारा दिया जाता है जहां थीटा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण है अर्धवलय पर कुल आवेश होगा देखिए आपको ये एक शख्स और ये वाई अक्ष दिया हुआ है। ये एक अर्धवलय है जिसकी त्रिजा है आठ अब यहां पर इस आवेशित अर्धवलय पे जो रेखीय आवेश घनत्व है वो एक अक्ष के साथ जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा उसकी मान भी क्या होगा परिवर्तित होता जाएगा तो आपको इस अर्धवलय पर कुल आवेश ज्ञात करना है तो देखिए किस तरह से कुल ज्ञात करते हैं आप क्या करते हैं इस धनात्मक एक अक्ष से थीटा कोण पर एक अल्पांश लेते हैं एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं जिसकी लंबाई है डी एल और यह कोण है डी थीटा कोण है और इस पे जो आवेश है वो है आपका डी क्यू आवेश है। आप सबसे पहले यह डी क्यू आवेश निकाला है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में डी क्यू तो डी क्यू क्या होगा आपका इकाई लंबाई पर आवेश वो तो है लैम्डा ठीक है इनटू इसकी लंबाई तो डी क्यू क्या होगा इकाई लंबाई पे आवेश मल्टीप्लाई बाय डी एल तो लैम्डा और डी एल क्या होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या तो चाप बराबर कोण इनटू त्रिज्या तो कोण तो होगी आपके डी थीटा और त्रिज्या होगी आर तो ये आपका डी आ गया तो इस अल्पांश पे ये वाला आ गया अब आप इसका देखो यहां से लेके यहां तक इसको आपको टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो लेमडा की वैल्यू पुट करो इसको और इसको इंटीग्रेट कर दो तो डी क्यू टू की वैल्यू कितनी है नॉट साइन थीटा तो ये आर ले लो और ये साइन थीटा डी थीटा अब इसका इंटीग्रेशन बहुत साइड कर देंगे तो लिमिट देखें इसकी जीरो से लेके पाई तक की तो थीटा वेरिएबल है तो इसकी लिमिट होगी जीरो से पाई तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये तो आ गया q और नोट r बाहर ले लो कॉन्स्टेंट है नोट r बाहर ले लिया और साइन जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा ठीक है तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस थीटा और जीरो से पाई ठीक चलिए वैल्यू पुट करते हैं क्यू इक्वस टू लेमडा नोट आर माइनस बाहर ले लिया पहले अपर लिमिट कोस पाई माइनस कोस जीरो तो क्यू इक्व टू माइनस लेमडा नोट आर कोस पाई की वैल्यू माइनस वन कोस जीरो की वैल्यू भी वन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू की वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस टू माइनस 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 टू मल्टीप्लाई बाई प्लस टू तो ये आपके हो गए टू लेमडा नोट आर तो टू लेमडा नोट आर ये आंसर आएगा तो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन टू टू लेमडा नोट आर आई बात समझ में तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन Next question. Question is volume charge density of a solid non-conducting sphere of radius R is given by rho equals to rho naught small r, where rho naught is a constant and small r is a distance from center. Electric field at its surface will be. Capital R trijake a कुचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व रो बराबर रो नोट स्मॉल आर द्वारा दिया जाता है जहां रो नोट एक नियतांक है तथा स्मॉल आर केंद्र से दूरी है इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र होगा ज्ञात करें तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन देखें आपको आर त्रिज्या का एक ठोस कुचालक गोला दिया हुआ है ये आर त्रिज्या का एक कुचालक गोला है ठोस कुचालक गोला इस पे जो आयतन आवेश घनत्व है वो त्रिज्या आर यानी कि केंद्र से दूरी के साथ परिवर्तित होता जा रहा है ठीक है तो इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र होगा ये ज्ञात करना तो यहां पर सतह पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा ज्ञात करें उससे पहले इसके अंदर कुल आवेश कितना है वो हमें ज्ञात करना है तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे आप क्या करते हैं इससे स्मॉल इस आर दूरी पर एक छोटा सा एक गोला कंसीडर करते हैं जिसकी मोटाई डी आर आप इसके अंदर जो आवेश है इस मोटाई डी आर के अंदर जो आवेश है वो आवेश ज्ञात करें वो है डी क्यू तो वो डी क्यू करेंगे तो डी क्यू टू क्या होता है आपका इकाई आयतन पर आवेश की रो इन टू इसका आयतन तो इसका आयतन कितना होगा फोर पाई आर स्क्वायर ये तो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसकी मोटाई होगी डी आर रो की वैल्यू पुट कर दें यहां से तो ये डी क्यू रो की वैल्यू नॉट ठीक है आर ये फोर पाई तो ये आर क्यूब ये डी आर हो गया ये डी क्यू के लिए आप यहां से यहां तक इसके अंदर कुल आवेश निकाल रहे हैं तो इसका समाकलन कर दें तो इसका ये समाकलन कर दिया तो जीरो से लेके कैपिटल आर तक डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया क्यू रो नॉट फोर पाई आर क्यू डी आर का होगा आर फोर अपॉन फोर लिमिट जीरो टू आर तो क्यू इक्वल्स टू रो नॉट फोर पाई ये फोर बाहर ले लेंगे तो इससे फोर से फोर कैंसिल हो गया रो नोट फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा वहां कैंसिल कर दिया पाई और लिमिट पुट करेंगे तो ये आर फोर माइनस जीरो तो ये आपका आ गया रो नोट पाई आर फोर ये आपके इसके अंदर चार्ज आ गया अब आपको इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो आप गाउस का नियम लगाएंगे वो क्या होता है e dot equals to q in upon epsilon तो e, d a, d a क्या होगा? इसका पृष्ठ क्षेत्र बल समाकलन करेंगे बंद पृष्ठ का तो ये हो गया फोर पाई आर स्क्वायर आवेश कितना है क्यू इन रो नोट पाई आर फोर अपॉन एफ साल नोट कैंसिल क्या क्या हो रहा है से पाई कैंसिल हो रहा है आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो e इक्व टू रो नोट आर स्क्वायर अपॉन फोर एपसाल नोट देखिए आंसर कौन सा मैच कर रहा है रो नोट आर स्क्वायर अपॉन फोर एपसैलन नोट तो राइट आंसर होगा ऑप्शन वन आई बात सौ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज चार्ज पार्टिकल इज रिलीज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स का एनर्जी डिपेंड्स ऑन टाइम एस एक कण समरूप विद्युत क्षेत्र में मुक्त किया जाता है इसकी गतिज ऊर्जा समय पर निर्भर करती है देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आवेश समरूप विद्युत क्षेत्र में आपने मुक्त किया यानी कि प्रारंभिक वेग शून्य से आपने छोड़ा तो इसकी गतिज ऊर्जा समय पर निर्भर करती है तो समय के साथ इसकी गतिज ऊर्जा किस प्रकार का रिलेशन रखेगी उसके बारे में बात करें तो देखिए यहां पर यह आवेश कण है ये प्रारंभिक वेग शून्य है अब एक समरूप विद्युत क्षेत्र यह मान ले ये एक समान विद्युत क्षेत्र इस दिशा में ठीक है तो यहां पर यह धनात्मक आवेश कण है तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा त्वरित होगा तो ये जो इस पे बल लगने वाला है वो हो होगा एफ इक्वल टू क्यू तो इसका जो त्वरण होगा वो होगा Q E बाई एम जहां M क्या है इसका आवेश का द्रव्यमान है ठीक है अब ये T कोस टू जीरो पर प्रारंभिक वेग शून्य है तो ये किसी टाइम T पर इसका वेग हो जाएगा V तो यहां पर जो गतिज ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी इस समय इसकी एक बटे दो एम वी स्क्वायर हो जाएगी आई बात सुनने अब आप देख रहे हैं ये तोरण नियत है Q E और M क्योंकि एक समरूप विद्युत क्षेत्र है तो E नियत है M नियत है Q नियत है तो इसका मतलब यहां पर आप एक समान गति की समीकरण लगा सकते हैं तो वेग ज्ञात करेंगे तो v equals to u क्वेश्ची लगा के ये ज्ञात करते हैं इसका वेग अंतिम वेग v प्रारंभिक वेग शून्य तोरण Q E बाई एम और ये T ये V की वैल्यू आ गई क्यू ई टी बाई एम ये वेल्यू इसके अंदर रख दो तो गतिज ऊर्जा बराबर एक बटे दो एम और वी स्क्वायर तो ये हो गया क्यू कैंसिल हो गया तो आप गतिज ऊर्जा देख रहे हैं टी के समानुपाती है क्यू ई एम ये तो नियत है तो यहां पर गतिज ऊर्जा जो है वो टी स्क्वायर के समानुपाती है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर next question a charged drop is suspended in uniform electric field if direction of electric field is reversed without charging without changing magnitude then acceleration of drop will be so without changing magnitude Then, acceleration of drop will be. एक आवेश बूंद समरूप विद्युत क्षेत्र में निलंबित है यदि विद्युत क्षेत्र के परिमाण को नियत रखते हुए दिशा को उल्टा कर दिया जाए तो बूंद का तोरण क्या होगा ज्ञात करें तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये एक बूंद है ये एक बूंद है ठीक है अब यहां पर इस पे गुरुत्वीय क्षेत्र लगेगा एम अगर इसका एम द्रव्यमान है तो आवेश विद्युत क्षेत्र में निलंबित निलंबित है यानी कि साम्य व्यवस्था में इसका मतलब एम नीचे लग रहा है तो इस पे ऊपर की तरफ कोई बल लग रहा है वो होगा विद्युत क्षेत्र बल अगर आवेश इस पे क्यू है तो ये क्यू ऊपर लगेगा तो यहां पर यह साम्य अवस्था में एम बराबर क्यू आपको दिया हुआ अब कह रहा है विद्युत क्षेत्र के परिमाण को नियत रखते हुए विद्युत क्षेत्र जो इस पे ये ऊपर की तरफ लग रहा है इसको नियत रखते हुए इसका दिशा परिवर्तित कर दें तो अब ये जो है एम और आवेश क्यू एम जी भी नीचे की तरफ है अब आपने विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ कर दिया तो इस पर क्यू ई बी नीचे की तरफ लगेगा तो इस पर जो कुल बल लगेगा एफ नेट वो एम जी प्लस क्यू ई नीचे की तरफ लगेगा अब हमें पता है ये क्यू ई का मान एम जी के बराबर है तो ये एफ नेट इक्वल्स टू एम जी और क्यू की जगह भी क्या रखेंगे हम तो जो कुल बल होगा वो टू एम जी के बराबर हो गया तो अब इसका तोरण कितना होगा तो नीचे की तरफ होगा तोरण तो ये एम इन टू एम जी एम से एम कैंसिल हो गया तो एक्वल टू टू जी और ये कुल बल जिस दिशा में उसी दिशा में तोरण होगा तो नीचे की तरफ होगा तोरण तो यहां पर राइट आंसर होगा टू जी नीचे की ओर तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थ्री Next question. Question is: A circular ring of radius one meter is placed vertically, thirty degrees west of south. Vertical electric field of magnitude ten to power five newton per coulomb is exist in this region. Electric flux through this ring. Will be. एक मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार वलय दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम की ओर उर्ध्वाधर रखी है 10 की घात 5 न्यूटन पर गुलाम तीव्रता का विद्युत क्षेत्र इस स्थान पर उर्ध्वाधर उपस्थित है उर्ध्वाधर उपस्थित है वलय से परित विद्युत फ्लक्स होगा तो यहां पर इस वलय से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो देखिए किस तरह से है? यहां पर यह देखें ये है आपका साउथ ये नॉर्थ ये वेस्ट और ये ईस्ट ये वलय इस तरफ है ये वलय ये वलय इस तरफ रखा हुआ है ठीक है तो सपोज करो वलय का जो मेरा हाथ है ये वलय का तल है और ये ऐसे रखा हुआ है ठीक है और ये ऊपर वाली दिशा जो है उर्ध्वाधर दिशा है तो ये पेन की जो दिशा है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो ये वलय और विद्युत क्षेत्र जो है वो इसी के समानांतर है तो यहां पर ये जो वलय का जो तल होगा और जो विद्युत क्षेत्र है वो एक ही दिशा में तो तल और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है तो जो विद्युत बल रेखाएं होगी वो तल से नहीं गुजरेगी यानी कि इससे क्रॉस नहीं होगी तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा जीरो होगा तो वलय से बल रेखाएं गुजरेगी नहीं जो बल रेखाएं होगी वो उसके वलय के तल के समानांतर निकलेगी तो फ्लक्स कितना होगा शून्य होगा आई बात समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी यू जेके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप इज प्रेजेंट इन दिस रीजन ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय आवेश क्यू तथा द्रव्यमान एम का एक आवेशित कण मूल बिंदु से प्रारंभिक वेग यूजे केप से प्रक्षेपित किया जाता है इस स्थान पर समरूप विद्युत क्षेत्र ई आई के उपस्थित है कण के पथ का समीकरण होगा तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तल में एक कण गति कर रहा है ठीक है और यहां पर विद्युत क्षेत्र जो दिया हुआ है वो एक्स अक्ष के अनुदेश दिया हुआ है और जो कण का प्रारंभिक वेग जो है वो वाई अक्ष के अनुदिश है तो कण जो होगा वो पैराबोलिक पाथ पे गति करेगा तो देखिए किस तरह से होगा सॉल्यूशन देखिए आपको इसकी पथ की समीकरण ज्ञात करनी है यह है एक और ये है अक्ष और यह है वाय विद्युत क्षेत्र जो है वो ई के पे यानी कि इस तरफ लग रहा है ठीक है और ये एक आवेश मान लो यहां पर क्यू और एम इसका प्रारंभिक वेग अक्ष के अनुदिश है ये u j कैप है ठीक है तो कण के पथ की समीकरण होगी तो यहां पे कण जो होगा पैराबोलिक पाथ में गति करेगा तल में गति करेगा तो हम इसकी x दिशा में अलग और y दिशा में गति का अध्ययन अलग अलग करेंगे तो देखो y दिशा में तो इसका त्वरण शून्य है और x दिशा में जो त्वरण होगा वो कितना होगा क्यू ई -E बाई एम भाई इस पर बल लगेगा क्यू ई -E, द्रव्यमान एम तो ये हो गया क्यू ई बाई एम तो आपको पथ की समीकरण निकालनी है तो टी समय पश्चात यह कण जो है इस तरह से गति कर रहा है और टी समय पश्चात यहां पर पहुंचा ये टी समय पश्चात यहां पहुंचा तो इसने ये एक अक्ष के अनुदेश दूरी यह वाली और ये y अक्ष के अनुदेश दूरी तय की तो आप इसका एक अक्ष के अनुदेश विस्थापन और y अक्ष के अनुदेश विस्थापन की समीकरण लिखेंगे और उसमें से t को एलिमिनेट कर देंगे तो पथ की समीकरण आ जाएगी तो देखिए पहले हम x अक्ष के अनुदेश और y अक्ष के अनुदेश अलग-अलग निकाल लेते हैं पहले हम y अक्ष के अनुदेश निकालते हैं तो y अक्ष के अनुदेश विस्थापन हो गया y प्रारंभिक वेग इसका है u समय t और वाई एक्स के अनुदीश त्वरण जो है शून्य है तो आप विस्थापन की समीकरण एक समान गति की समीकरण लगा रहे हैं एस इक्वी प्लस हाफ ए तो स्क्स तो हो गया वाई एक्स के अनुदेश वाई प्रारंभिक वेग हो गया u समय t और त्वरण शून्य है तो यहां से रिलेशन आ गया t इक्व टू वाई अपॉन यू नेक्स्ट अब x दिशा में विस्थापन की समीकरण लगाते हैं तो ये x इक्व टू प्रारंभिक वेग जीरो समय t प्लस हाफ a a की वैल्यू कितनी है क्यू बाई एम क्यू ई बाई एम और ये हो गया टी स्क्वायर तो यहां पर x इक्वल टू वन बाई टू क्यू ई बाई एम और t स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके हो गया वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर दिस इज यू तो ये यू स्क्वायर हो गया तो क्यू वाई स्क्वायर अपॉन टू एम स्क्वायर तो क्यू वाई स्क्वायर अपॉन टू एम यू स्क्वायर तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री आई बात समझ में तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल P इक्वल टू P नॉट आई के इज प्लेस्ड एट ओरिजिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी एक्सोमा वाई इज गिवन बाय एक छोटा विद्युत दीद्रु P सदिश बराबर P नॉट आई के मूल बिंदु पर रखा गया है एक बिंदु P x कोमा वाई पर विद्युत विभव दिया जाता है देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक छोटा विद्युत दिध्रु है जिसका दिध्रु आगुण पी नोट आपको दिया है जिसकी दिशा एक्स के अनुदिश है और इसको मूल बिंदु पर रखा हुआ है अब मूल बिंदु से एक्स वाई दूरी पर विद्युत विभोग याद करना है तो देखिए किस तरह से याद करेंगे यह है आपके एक्स अक्ष और यह वाई अक्ष ये एक दिध्रुव रखा हुआ है एक्स अक्ष के अनुदेश तो यह है दिध्रु P इक्वल्स टू पी नॉट आई कैप अब मूल बिंदु ये हो गया इससे X और Y दूरी पे यानी कि यह होगी X और ये होगी Y तो ये इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कोमा वाई ये P बिंदु हो गया तो ये यहां पर इस पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है तो ये कौन हो गया थीटा आपने इस पर प्रक्षेप पे लिया तो हमें पता है किसी भी जनरल बिंदु पर जो E की वैल्यू होती है V की वैल्यू होती है है इसके लिए रिलेशन होता अपॉन आर स्क्वायर जहां पर आर मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी होती है बस इस वैल्यू को पुट कर लें इसमें वैल्यू पुट कर लें सोल्व कर लें ठीक है तो V के पी की वैल्यू कितनी दी हुई है नॉट cos थीटा तो इससे आप देखिए थीटा से तो ये तो होगी एक्स दूरी और ये होगी वाई दूरी और आर क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कोसिटा इक्वेस्ट क्या होता है आधार बटे कर्ण तो आधार तो हो गया एक्स और कर्ण हो गया आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट

एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर तीन बटे दो तो के पी नोट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर तीन बटे दो तो राइट right आंसर होगा ऑप्शन थ्री आई बात समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ज पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड एन के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है कण की चाल पथ की त्रिज्या पर निर्भर करती है तो देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक अनंत लंबाई का एक तार है उसके चारों और एक कण जो है चक्कर लगा रहा है परिक्रमण कर रहा है तो कण की चाल पथ की त्रिजा पर निर्भर किस प्रकार से करेगी वो हमें रिलेशन ज्ञात करना है तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन ये अनंत लंबाई का तार ये अनंत लंबाई एक आवेशित कण एक अनंत रेखी आवेश के चारों तो इसका इकाई लंबाई पर आवेश है लेमडा अब ये कण है आपका क्यू ये इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर काट रहा है ठीक है चारों ओर प्रक्रमण कर रहा है कण की चाल पथ की त्रिज्या पर निर्भर करेगी तो यहां पर इसकी चाल जो होगी वी वो त्रिज्या ये इसकी आर किस प्रकार से निर्भर करेगी ज्ञात करना है देखिए हमें पता है कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसको एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है और यह अभिकेंद्रीय बल किसी दूसरे बल द्वारा प्रदान किया जाएगा तो यहां पर इस तार के कारण यहां विद्युत क्षेत्र है ई कितना होगा टू के लेमडा बाई आर होगा तो इस पे जो बल होगा एफ इक्व क्यू ई ई e, तो क्यू ई e की वैल्यू कितनी होगी टू के लेमडा बाई आर हो गया अब ये बल ही इसको आवश्यक अभी केंद्रीय बल प्रदान कर रहा है तो आप इसको किसके बराबर कर देंगे एम बी स्क्वायर अपॉन आर के आर से आर कैंसिल हो गया तो आप देख रहे हैं ये वी आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा तो यहां पर वी इस प्रोपोर्शनल आर टू पावर जीरो यानी कि आर पे डिपेंड करेगा ही नहीं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर वी इज प्रोपोर्शनल आर टू पावर जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन मूवड फ्रॉम पॉइंट थ्री कोमा फोर टू पॉइंट का आवेशित कण मूल बिंदु पर स्थित है एक अन्य आवेश स्मॉल क्यू बिंदु तीन कोमा चार से बिंदु चार कोमा तीन तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य होगा देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है पहले मैं फिगर से समझाता हूं ये आपको अक्ष ये अक्ष और ये y अक्ष दिया हुआ है है ठीक एक आवेश क्यू आवेश का आवेश मूल बिंदु पर रखा हुआ है तो ये यहां पर मूल बिंदु पर यह क्यू आवेश रखा हुआ है ठीक है एक अन्य आवेश बिंदु तीन कोमा चार तो ये तीन कोमा चार ये हो गया तो ये ए स्थिति मान लो तीन कोमा चार और दूसरी स्थिति है बी वो चार कोमा तीन तो ये चार कोमा तीन हो गया तो ये बी स्थिति होगी और इसके निर्देशांक हो गए चार कोमा तीन हो गया अब एक आवेश को आप यहां पर लेके जाते हैं क्यू आवेश को ठीक है तो यहां से यहां तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़ेगा यह ज्ञात करना है तो हमें पता है किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है तो W देखिए यहां पर जो कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है डेल्टा U और ये जो डेल्टा U होता है ये V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V होता है Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V होता है ये होता है क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी होता है क्यू जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं उस चार्ज की वैल्यू और इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्यू तो जो चार्ज आ रहा है अब इस आवेश के कारण यहां पर विभव कितना है और यहां पर विभव कितना है तो देखो ये जो दूरी है ये भी पांच है और ये जो दूरी है ये भी पाँच है आप पाथोग्रस लगाएंगे तो तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर अंडर रूट पाँच ही आएगा और यहाँ भी चार का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर अंडर रूट पाँच ही आएगा तो ये दोनों दूरी बराबर बराबर है पाँच ही है तो यहाँ पर जो विबो होगा डेल्टा वी ये होता है वी बी माइनस वी ए और क्यू और वी वी क्या होगा इस आवेश के कारण के क्यू अपॉन फाइफ माइनस इस आवेश के कारण इस बिंदु पे भी कितना होगा के क्यू अपॉन फाइव ये कैंसिल हो गया तो कार्य कितना होगा जीरो हो गया तो यहां पर कार्य कितना हो गया आपका जीरो हो जाएगा तो राइट आंसर होगा जीरो शून्य नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोन एंड ड्यूट्रॉन आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट विथ सेम स्पीड फ्रॉम सेम पॉइंट डिस्टेंस कवर्ड बाय देम बिफोर कमिंग इन रेस्ट विल बी इन रेशो प्रोटॉन तथा ड्यूट्रॉन समान बिंदु से समान चाल से एक अनंत समरूप आवेश कुचालक परत की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं उनके द्वारा विराम अवस्था में आने से पहले तय की गई दूरियों का अनुपात होगा देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन की बात करें तो एक तो प्रोटॉन दिया हुआ है और एक ड्यूट्रॉन दिया हुआ है, समान बिंदु से समान चाल तो एक ही पोजीशन से इनको समान चाल से आपने प्रक्षेपित किया u की वैल्यू सेम है और एक अनंत समरूप आवेशित कुचालक परत की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं तो ये कुचालक इसके पास से जाते हैं ठीक है और यहाँ पर जब जाते हैं ठीक है तो इनके द्वारा विराम अवस्था में आने से पहले टीके की दूरियों का अनुपात होगा तो देखिए इसके कारण यहां पर जो है ये परत है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरफ होगा तो ये इन प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन दोनों पर धनात्मक आवेश है तो इनको किसी स्थिति तक जाके रोक देगी तो ये यह यहाँ पर किसी स्थिति तक जाके रोक देगी तो ये यह प्रोटॉन यहाँ पर भी आके ये स्थिर अवस्था में आ जाएगा और ड्यूट्रॉन भी किसी अवस्था में आ जाएगा रेस्ट पोजिशन पर आ जाएगा स्थिर अवस्था में आ जाएगा किसी स्थिति पर जाके तो उनके द्वारा विराम अवस्था में आने से पहले तय की गई दूरियों का अनुपात होगा तो यह कितनी दूरी तय करती है तो ये अगर एस वन दूरी तय करती है तो यह एस टू दूरी तय करती है आपको S1 और S2 का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हमें पता है यहां पर प्रोटोन और ड्यूट्रॉन इन पे आवेश समान होता है लेकिन इनका द्रव्यमान एक अनुपात दो में होता है इसका एक है तो इसका इसका डबल होता है आप यहां पर देखें इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा ई होगा वो एक समान विद्युत क्षेत्र होगा एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण इस पे भी विद्युत क्षेत्र उतना है इस पे भी विद्युत क्षेत्र इतना ही दोनों पे समान विद्युत क्षेत्र है तो आप क्या करेंगे ये कितनी दूरी तय करते हैं ये निकालते हैं तो गति की समीकरण ई का मान नियत इन पर आवेश जो है वो समान है तो इन पर लगने वाले बल जो होंगे वो क्या क्या होंगे वो निकाले जाए ठीक है तो पहले तो मैं प्रोटोन की बात करता हूं प्रोटोन पे देखो जो बल है वो है F इक्व टू क्यू ई चार्ज क्यू ई दोनों पर सेम है F बराबर एम इन है तो ये a, तो ये क्यू ई बाई एम जहां m प्रोटोन का मास हो गया आइए बात सुनो तो ये एक्सलेशन इसका हो गया a1। इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूट्रॉन a2 हो जाएगा वो कितना होगा क्यू ई तो सेम होगा लेकिन द्रव्यमान डबल है इसका तो ये टू एम आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर ये तीसरी समीकरण लगाएंगे गति की और उसके लिए भी तीसरी समीकरण लगाएंगे और सोल्व कर लेंगे तो पहले इसके लिए लगाते हैं v स्क्वायर तो अंतिम वेग शून्य तो शून्य का स्क्वायर प्रारंभिक वेग u स्क्वायर प्लस टू मंदन लगेगा तो माइनस तो माइनस ए वन ए वन की वैल्यू क्या है क्यू ई बाई एम मंधन लगेगा इस पर इस तरफ तो ये आ गया माइनस क्यू ई बाई एम और ये दूरी चल रही एस वन तो ये एस वन की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है यू स्क्वायर अपॉन एस वन तो ये यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू बाई एम तो ये टू क्यू ई बाई एम ऊपर चला गया आई बात नेक्स्ट सेम इसी तरह से ड्यूट्रॉन के लिए लगाएंगे तो उसके लिए भी अंतिम वेग शून्य का स्क्वायर प्रारंभिक वेग यू स्क्वायर प्लस टू मंदन है तो वही माइनस क्यू ई अपॉन ए टू की वैल्यू कितनी है टू एम क्यू ई अपॉन टू एम तो ये ए टू की वैल्यू और दूरी एस टू तो यहाँ पर जो एस टू होगा वो आपके यू स्क्वायर अपॉन ये टू से टू कैंसिल हो गया तो ये क्यू ई बाई एम हो गया आप एस वन और एस टू का अनुपात निकालें तो देखें इसमें डिवाइड करें एस वन अपॉन एस टू तो ये आपके यू स्क्वायर अपॉन एम क्यू ई यू स्क्वायर अपॉन

अब एक द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव में थीटा बराबर 90 डिग्री पे रखा हुआ यानी कि विद्युत क्षेत्र से लंबवत रखा हुआ है तो ये आपने ये ये पी की दिशा होगी इस तरफ है नब्बे डिग्री तो ये जो है नब्बे डिग्री पे रखा हुआ अब इसको आप इस स्थिति से स्थिति से मुक्त करते हैं तो जब ये मुक्त करते हैं तो ये ऐसे घूम के विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाता है ठीक है क्योंकि यहां पर ये माइनस क्यू आवेश होगा और यहां पर प्लस क्यू आवेश होगा तो प्लस क्यू आवेश पे जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है इस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा तो ये ऐसे घूमेगा और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो जाएगा तो, तो इस पर कितना कार्य होगा तो यहां पर जो कार्य होगा ये कौन कर रहा है विद्युत क्षेत्र यानी कि संरक्षी बल क्षेत्र कर रहा है और हमें पता है संरक्षी बल क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो होता है माइनस पी पी डायपोल मोमेंट ई कोस थीटा इनिशियल यानी कि प्रारंभिक कोण जो भी इसका इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल यानी कि इसका अंतिम कोण जो भी है तो वैल्यू पुट करें माइनस पीई कोस थीटा इनिशियल प्रारंभ में गया है नब्बे डिग्री तो कोस नब्बे माइनस पीई कोस थीटा इनिशियल कोस नब्बे माइनस ये रोटेट होके ऐसे रोटेट होके यहां आ रहा है तो ये थीटा की वैल्यू कितनी है जीरो तो ये होगी आपकी जीरो डिग्री होगी कोस नब्बे की वैल्यू होती है जीरो तो ये पार्ट जीरो हो गया तो ये हो गया माइनस पीई और जीरो की वैल्यू होती वन तो ये होगी माइनस वन तो ये हो गया आपका पीई माइनस माइनस प्लस तो पीई -E. तो राइट right आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर पी ई नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेटल क्यूब इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इंड्यूस चार्ज ऑन क्यूब इज एक धात्विक घन को असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया है घन पर प्रेरित आवेश होगा तो देखिए यहां पर ये आपके घन दिया हुआ है ये एक धात्विक घन है ये इस तरह से ये घन हो गया अब इसको ये असमान विद्युत क्षेत्र है ई क्या है आपका असमान विद्युत क्षेत्र है तो जब असमान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो हमें पता है जो इसके अंदर जो धनात्मक आवेश होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएंगे और ऋणात्मक इसके विपरीत दिशा में यहां चले जाएंगे तो आप देखेंगे इस इसपे कुल आवेश प्रारंभ में शून्य था बाद में भी क्या रहेगा शून्य ही रहेगा तो घन पर प्रेरित आवेश जो होगा कुल आवेश की बात करें तो वो तो कितना रहेगा शून्य ही रहेगा तो कुल आवेश तो शून्य ही है अगर ये उदासीन है तो आई बात समझ में तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लॉन्ग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर बाई टू फ्रॉम देंटर ऑफ स्पेरिकल क्लोज सरफेस ऑफ रेडियस आर देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस रेखी आवेश घनत्व के एक लंबे तार को आर त्रिज्या की एक बंद गोलीय सतह के केंद्र से आर बाई टू दूरी पर रखा गया है तब बंद सतह से पारित विद्युत फ्लक्स होगा यह याद करना है तो देखिए क्वेश्चन में आपको यह एक वायर दिया हुआ है जिसका रेखीय आवेश एक आपका गोला है खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है अब इसके केंद्र से आर बाई टू दूरी पे ये वायर इस तरह से रखा हुआ है तो आपको इस गोले से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है हमें पता है फ्लक्स जो होता है फाइव यह होता है क्यू इन अपॉन एप्सालन नॉट तो हमें क्या ज्ञात करना है इस गोले के अंदर कितना आवेश उपस्थित है और कितना आवेश उपस्थित है यह ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इस गोले के अंदर इस तार की लंबाई कितनी यह ज्ञात की जाए तो भाई देखिए ये यहां से लेके यहां तक इस बिंदु तक ये लंबाई मान लो x है जो इस पूरे की आधी होगी ये x है ये r बाई है ये r है तो आप यहाँ पाइथोगोरस लगाए ठीक है थीके? तो ये आर स्क्वायर इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर तो आर स्क्वायर इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई फोर तो ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वस टू इसको रीअरेंज करें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर तो ये आपका हो रहा है थ्री आर स्क्वायर बाई फोर तो जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो रूट थ्री आर बाई टू आ रही है तो यानी कि यह लंबाई आ रही रूट थ्री है, आर बाई टू तो यह कुल लंबाई कितनी होगी इस तार की इस गोले के अंदर जो लंबाई है वह है टू एक्स तो टू एक्स है तो यहां पर Q इन कितना होगा इकाई लंबाई पर आवेश तो है लेमडा इंटू टू एक्स तो Q इन अंदर आवेश लेमडा और टू एक्स की वैल्यू ये टू और एक्स की वैल्यू रूट थ्री आर बटे टू ये टू से टू कैंसिल हो गया तो ये क्यू इनकी वैल्यू आ गई लेमडा अंडर रूट थ्री आर ये वैल्यू इसके अंदर रख दें तो फाइव इक्वल्स टू रूट थ्री लेमडा आर अपॉन एपसालन नॉट तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री अंडर रूट थ्री आर लेमडा अपॉन एपसालन नॉट तो राइट right आंसर है ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी घटेगी बढ़ेगी अपरिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं यह आपको बताना है तो हमें पता है ये आपके साबुन का बुलबुला साबुन का बुलबुला आपने इस पर ऋणात्मक आवेश दिया तो ये इसकी सतह पर होगी अब ऋणात्मक आवेश दिया तो यहां पर ये एक अल्पांश लेता हूं छोटा सा एक अल्पांश इस पर ऋणात्मक आवेश इसके सामने भी क्या होगा एक छोटा सा अल्पांश होगा जिसपे भी ऋणात्मक आवेश और दोनों के मध्य समान प्रकृति होने के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा तो जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये क्या होगा फैलेगा फैलेगा तो हर Each, आपका जो प्रत्येक अल्पांश होगा उसके सामने वाले अल्पांश के कारण दोनों में क्या होगा प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये जो साबुन का बुलबुला ये फैलेगा फैलने की कोशिश करेगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी बढ़ जाएगी तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो इंक्रीज होगी बढ़ जाएगी चाहे आप यहां ऋणात्मक आवेश दो चाहे धनात्मक आवेश दो धनात्मक आवेश देंगे तब भी क्या होगा प्रतिकर्षण होगा आमने सामने वाले आवेशों में और ये क्या होगा फैलेगा तो इसका त्रिज्या और आयतन दोनों बढ़ जाएंगे Next question. Next question is: An electric dipole consisting of two opposite charges of two multiplied by ten to the power minus six coulomb, each separated by a distance of three centimeter, is placed in an electric field of two multiplied by ten to the power five newton per coulomb. The maximum torque on the dipole will be. एक विद्युत जिसमें प्रत्येक दो इंटू दसी माइनस विपरीत आवेश एक दूसरे से तीन सेंटीमीटर की दूरी द्वारा पृथक रहते हैं को दो इंटू घात पांच न्यूटन पर कुलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है दिध्रु पर अधिकतम बल आघूर्ण होगा तो हमें पता है जो बल आगुण होता है वो होता है टो इक्वल टू पीई साइन थीटा और अधिकतम कितना होता है जब साइन थीटा का मान कितना होता है एक होता है तो अधिकतम बल आगुण होगा पीई तो यहां पर सॉल्यूशन आप देखें तो टो मैक्सिमम जो होगा वो होता है पीई साइन थीटा की वैल्यू वन तो यह अधिकतम होता है अब पी क्या होता है आपका किसी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी और ई आपको दिया हुआ है तो वैल्यू पुट कर दें पी की वैल्यू तो आवेश का परिमाण कितना है दो इंटू दस की घात माइनस छ और इनके मध्य की दूरी तीन सबको एक ही पद्धति में कन्वर्ट कर लो तो ये दस की घात माइनस दो हो गया मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये वैल्यू तो आपकी निकल गई पी की तो क्यू इंटू इनके मध्य की दूरी होगी और ई की वैल्यू आपको दी हुई है दो इंटू दस की घात पांच सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो दस की घात माइनस ये दस की घात माइनस पांच यहाँ बचा दस की घात माइनस एक तो ये आपके ट्वेल्व दो इंटू तीन इंटू दो ये तो हो गया तो बारह इंटू दस की घात माइनस तीन तो बारह इंटू दस की घात माइनस तीन न्यूटन मीटर तो राइट आंसर है ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑफ ए डायपोल इज स्म एक्सिस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रपोर्शनल टू एक दिध्रुव के दो आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के मध्य दूरी स्मॉल आर है दिध्रुव के केंद्र से डी अक्षीय दूरी पर विद्युत क्षेत्र की त्रिवता समानुपाति होगी यह ज्ञात करना है तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दिध्रु के दो आवेश ये एक माइनस क्यू आवेश हो गया और ये प्लस क्यू आवेश हो गया और इनके मध्य की दूरी होगी आर यह दोनों को मिलाने वाली रेखा और इनके मध्य की दूरी होगी आर अब दिध्रु के केंद्र से यह दिध्रु का केंद्र है ओ बिंदु इससे डी अक्षीय दूरी डी अक्षीय दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होगी तो केंद्र से अक्षीय अक्ष पर यहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह हमें ज्ञात करनी है तो देखिए अक्ष पर जो होती है उसके लिए रिलेशन होता है ई अक्ष बेसिकली अगर हम बात करें तो यहां पर इन दोनों के मध्य की दूरी होगी तो यह आपके हो गया टू के पी ठीक है टू के पी अपॉन ये यहां से लंबवत दूरी लेते हैं हम डी तो ये होगा आपका डी क्यू अब पी को आप लिख सकते हैं टू के पी पी को क्या लिख सकते हैं क्यू मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन डी क्यू ये हो गया ठीक है तो टू के पी अपॉन डी क्यू यह लंबो दूरी होगी तो आप देख रहे हैं यहां पे टू के तो कॉन्स्टेंट है तो ये क्यू आर अपॉन डी क्यू के समानुपाती होगी तो राइट right आंसर होगा ऑप्शन फोर क्यू आर अपॉन डी क्यू तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले के बेसिस पे इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाई ए पॉइंट चार्ज एक विद्युत द्विध्रु को बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में रखा गया अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन है ऑप्शन वन दिक फोर्स ऑन पर परिणामी विद्युत बल शून्य होना चाहिए ऑप्शन टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मे बी जीरो मीन्स पर परिणाम विद्युत बल शून्य हो सकता है ऑप्शन थ्री टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू मस्ट बी जीरो पर परिणाम बलागुण शून्य होना चाहिए ऑप्शन फोर द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो मीन्स पर परिणाम बलागुन शून्य हो सकता है तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक विद्युत द्विध्रुव को बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो ये बिंदु आवेश है q अब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो r के साथ चेंज हो रहा होगा इस प्रोपोर्शनल वन अपॉन r स्क्वायर के साथ चेंज हो रहा होगा अब ये आपका डायपोल है ये डायपोल मान लो तो ये -q और ये प्लस +q अब हो सकता है यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो हो सकता है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ना हो तो आप देखें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो तो यहां पर ई की वैल्यू डिफरेंट होगी यहां पर ई की वैल्यू डिफरेंट होगी तो ये आपका बोल रहा है कि मस्ट बी जीरो भाई जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरा अलग होगा तो ये आपके यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा नेक्स्ट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल में भी जीरो जीरो कैसे हो सकता है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ही नहीं आपका किसी भी पे, कोई भी पॉइंट कोई दो पॉइंट है उस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है नहीं तो आपका इस पे फोर्स अलग होगा इस पे फोर्स अलग होगा तो जब फोर्स अलग होगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो मस्ट बी जीरो मीन्स आपका यहां पर ये जो दोनों चार्जेस हैं अगर दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अगर समान होगी लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ही पॉइंट से पास हो रहा होगा तब उसका बलागुन जीरो होगा जरूरी नहीं है कि वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी कि बल की क्रिया रेखा एक ही बिंदु से पास हो तो ये भी आपका सही नहीं है नेक्स्ट टॉर्क ऑन ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो हाँ हो सकता है जब दोनों आवेशों पर जो बल होगा उनकी क्रिया रेखा अगर एक ही बिंदु से पास हो बल की क्रिया रेखा एक ही बिंदु से पास हो तो उस स्थिति में बलागुन शून्य हो सकता है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर द डायपोल ड्यू टू द फील्ड ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो यानी कि दिध्रुप परिणामी बलागुन शून्य हो सकता क्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन एच प्लस एंड सी एल माइनस आय इन एस सी एल मोलिक्यूल्स इज वन पॉइंट टू एट एंगस्ट्रॉम वॉट विल बी दोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल एट ए डिस्टेंस ट्वेल्व एंगस्ट्रॉम ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल एच सी एल अनु में एच प्लस तथा सी एल माइनस आयनों के मध्य की दूरी वन पॉइंट टू एट एंगस्ट्रॉम है के कारण इसकी अक्ष पर 12 एंग दूरी पर विभव होगा देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक अणु में और इसके एच प्लस तथा के मध्य की जो दूरी है वो एक पॉइंट अट्ठाइस एंगोस्ट्रोम दी हुई है अब इसकी द्विध्रु जो द्विध्रुव बना रहा है एक धनात्मक एक ऋणात्मक आयन है तो ये द्विध्रुव बना रहा है इस द्विध्रुव के कारण इसकी अक्ष पर यानी कि इसके केंद्र से बारह एंगस्ट्रम दूरी पर विभव होगा तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं यह है एच प्लस धनात्मक और यह है सी एल माइनस ऋणात्मक दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है एक पॉइंट अट्ठाईस अब यहां पर इसके केंद्र से ये ओ बिंदु से कितना बारह एंगस्ट्रम ये बारह एंगस्ट्रोम दूरी पर यह कोई बिंदु है यहां पर तो इस पी बिंदु पर आपको विभव ज्ञात करना है ठीक है तो देखिए विभव के लिए जो रिलेशन होता है वो क्या होता है आपका जनरल रिलेशन की बात करें तो ये होता है के पी कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये आपके कोस जीरो की वैल्यू वन तो के पी अपॉन आर स्क्वायर ठीक है आर कौन सी दूरी है ये दूरी है आर तो आर बराबर ट्वेल्व दिया हुआ अब देखिए यहां पर V वैल्यू वैल्यू करें। K की value, 9 10 9. अब P क्या चार्ज मल्टीप्लाई बाई सेपरेशन दोनों के बीच का सेपरेशन ठीक है तो चार्ज हो गया इस पे पॉजिटिव वन पॉइंट सिक्स टेंस टू पावर माइनस नाइनटीन ठीक है और सेपरेशन कितना है वन पॉइंट टू एट को मीटर में कन्वर्ट कर लो 10 टू पावर माइनस टेन अपॉन आर आर कितना ट्वेल्व तो ये ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय टेन सो पावर माइनस टेन होल स्क्वायर जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं सोल्व करते हैं तो अप्रोक्स वैल्यू आती है आपकी जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन थ्री वोल्ट तो राइट right आंसर होगा ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ पोजिशन वेक्टर आर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी इज स्थिति सदिश आर के एक बिंदु पर द्विध्रु आघूर्ण पी सदिश वाले विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होगा देखिए आपको जो विद्युत द्विध्रुव आपको दिया हुआ है वो पी है और इसके कारण विभोग ज्ञात करना है तो यहां पर हमें रिलेशन पता है ये वी इक्वल टू होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर ये रिलेशन होता है अब इसको सदिश रूप में लिखना हो यानी कि इसको आ, जो है इसकी फॉर्म चेंज करनी हो सदिश रूप में तो नहीं हम इसकी फॉर्म चेंज करनी हो तो हम इसको किस किस तरह से लिख सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह विवो व अधिस राशि होती है यह भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है जो कि सदीशो में होता है यह भी पॉसिबल नहीं है तो आप ये और ये देखेंगे तो देखिए यहां पर इसको मैं आर से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर तो आर से भी नीचे कर सकता हूं तो ये आपके के पी डोट आर अपॉन ये लिखा जाएगा आर क्यू तो ये राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर के पी डोट आर अपॉन आर क्यूब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे एक विद्युत दीध्रु की विद्युत स्थिति ऊर्जा दी जाती है देखिए हमें पता है जो स्थिति ऊर्जा होती है U इक्वल टू होता है माइनस पी ई को स्थीटा होती है जिसको हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई लिख सकते हैं तो रिलेशन होगा राइट आंसर ऑप्शन फोर माइनस पी डोट ई नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मिलीक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इफ चार्जेस ऑफ फोर ड्रॉप आर ऑफ टेन एज टू माइक्रोकुल माइक्रो माइक्रोकुल एंड टेन माइक्रोकुल देन पॉसिबल क्वांटा ऑफ चार्ज विल बी मिलीकन तेल बूंद प्रयोग में चार बूंदों के आवेश दो माइक्रोकुल चार माइक्रोकुल इक्रोकुल तथा दस माइक्रोकुल प्राप्त होते हैं तो आवेश का संभावित क्वांटा होगा क्वांटा क्या होता है भाई तो देखिए पर क्वांटा होता है आपको ये जो सीरीज दी हुई है दो चार पांच और दस तो आवेश का वह छोटा सा छोटा मान ठीक है जो संभव है इस सीरीज में वो ज्ञात करेंगे तो हमें पता है क्यू इक्व टू एन ई से हम

जो परीक्षण किया उसमें प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन उपस्थित है तो दो से छोटा है एक आप देखें एक से ये सब डिवाइड हो रहे हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन वन वन कुलाम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए क्लोज सरफेस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फाइ अपॉन एपसेलन नोट डिपेंड्स ऑन एक बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स तथा निर्वात की विद्युत शीलता का अनुपात फाइ अपॉन एप्सैलन नोट पर निर्भर करता है तो ऑप्शन है आपके साइज ऑफ सरफेस यानी कि सतह की सतह का आकार एनक्लोज चार्ज यानी कि परिबद्ध आवेश ऑप्शन थ्री बोथ वन एंड टू एक तथा दो दोनों पर ऑप्शन फोर नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं तो देखिए हमें पता है जो विद्युत फ्लक्स होता है फाइ ये आपके विद्युत फ्लक्स ये आपके क्यू इन अपॉन एबसैलन नोट होता है तो एक बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात जो होगा वो निर्भर करता है देखो ये तो आपके नियत है ठीक है तो आप इसको जो फाइ अपॉन एफसालन नोट लेते हैं तो ये आपके क्यू इन अपॉन एफसालन नोट स्क्वायर हो जाता है तो कुल मिला के एक बंद सतह के लिए जो विद्युत फ्लक्स सतह निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है वो निर्भर करता है तो यहां पर ये एफसैलन नोट तो नियत है अब जो फ्लक्स है वो किस पे निर्भर करता है हमें जो पता है फ्लक्स जो है वो क्यू इन अपॉन एफ नोट पे निर्भर करता है ऑलरेडी नियत वैल्यू है ठीक है अब ये Q -in उस निर्भर करेगा परिबद्ध आवेश पे तो राइट right आंसर होगा ऑप्शन टू एनक्लोज चार्ज यानी कि परिबद्ध आवेश पे अब उसकी जो परिबद्ध आवेश का आकार क्या है उस पर निर्भर नहीं करता नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन गोस लो ई डोट डी एस ओवर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एफसेलन नोट जो कि गाउस के नियम से ई डोट डी एस बंद सतह से समाकलन बराबर समाकलन, आ, बराबर समेशन क्यू अपॉन एफसेलन नोट में जहां पर क्या है वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जहां ई विद्युत क्षेत्र किसके कारण है तो आपको यह याद करना है कि ये जो विद्युत क्षेत्र ई है गौस के नियम में यह किसके कारण होता है तो देखिए मैं इसको समझाता हूं ऑप्शन है ऑल चार्जेस इन साइड द क्लोज सर्फेस यानी कि बंद सतह के अंदर उपस्थित सभी आवेश के कारण ऑप्शन टू ऑल चार्जेस आउट साइड सरफेस यानी कि बंद सतह के बाहर उपस्थित सभी आवेश के कारण ऑप्शन थ्री ऑल चार्जेस इनसाइड एंड आउट साइड सरफेस यानी कि बंद सतह के बाहर तथा अंदर उपस्थित सभी आवेश के कारण और ऑप्शन फोर है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं तो देखिए इसके सोल्यूशन की बात करें तो ये आपके क्यू वन और ये Q3 चार्ज रखे हुआ है आपको ये इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आपने यहाँ पर इसको लेके ये एक गौसेन सतह बनाई तो इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अलावा इसके इसके और इसके तीनों के अलावा होगा लेकिन यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ई ये वो तीनों आवेशों के कारण होगा लेकिन इस पर गो स्लो हम यहां पर क्यू इन में जो लेते हैं वो सिर्फ अंदर वाले आवेश लेते हैं लेकिन आपसे पूछा है विद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा तो अंदर वाले और बाहर वाले दोनों के कारण होगा तो राइट आंसर होगा ओल चार्जेस इन साइड एंड आउटसाइड क्लोज सर्फेस यानी कि बंद सतह के बाहर तथा अंदर उपस्थित सभी आवेशों के कारण ये विद्युत क्षेत्र होगा तो ये बात हुई आपके फिजिक्स पंच का जो ट्वेल्थ पार्ट है रिवाइज नीड फिज़िक्स इन फोर्टी आवर्स का जो ट्वेल्थ पार्ट है उसके हमने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया मैं समझता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से ठीक है तो हम इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं थैंक यू जय सी